a burning love from white spiritual founts, annulled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death. To err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a look, a face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs the boundless joy, the blind world forces seek. Her body of beauty mooned the seas of bliss. At the head, she stands of birth and toil and fate. In their slow round, the cycles turn to her call. Alone, her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist's energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent. The sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness's home, all contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion gropes. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp will turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all through her. In her confirmed, because transformed in her, our life shall find in its fulfilled response. Above the boundless hushed beatitudes, below the wonder of the embrace divine.
ये योग दुईटी द्वारा होइपारिबो तलु एक्सप्रेशन उपर भाग चिंतीकरण दुरुह कहिवार तात्पर्य हला जे मन प्राण शरीर दिव्य तत्वरे रूपांतर पृथ्वीरे दिव्य स्वर्ग प्रतिष्ठा दुरुह कार्य कहिवार तात्पर्य हला जे आज पर्यंत सृष्टि आरंभ हवा दिन ठार जिते महापुरुष ऋषि मुनि आसी से रूपांतर नाम कहीं धरी ना संभव भी नाला रूपांतर अर्थ कौन ना जो पुरातन जगे जो मैंने साधना करूने शरीर त्याग करने साकेत गोलक वैकुंठ से प्राप्त होते भगवान को अथवा निर्विशेष सतार मिल जा मृत्यु पर मिल जाए और ये पृथ्वी रे से दिव्य स्वर्ग प्रतिष्ठा हम आ व्यक्ति ये शरीर रूपांतर हम से साकेत गोलक वैकुंठ जो दिव्य शरीर भगवान के सांगे जो दिव्य शरीर था से शरीर रूपांतर हम तो एपर्यंत मन प्राण शरीर गुणधर्म को रूपांतर करें समस्ते छाड़ी गले आक रूपांतर करने को दिव्य तत्व ये दुर्ह कार्य दुर्ह कार्य हो पार ये दुईटी कार्य द्वारा ये अभिज्ञा तोल करने को साधक को भागवैशक्ति अवतरण करके रूपांतर कर सुपर माइंड द्वारा ही रूपांतर हो पारे सुपर माइंड छड़ा रूपांतर हमारे संभव नुह जार समय आसी ना मनर विकास समाप्त हो ना तो मनर विकास समाप्त हबार महर्षि अरविंद सुपर माइंड को नहीं आसिले पृथ्वी को बर्तमान सुपर माइंड प्रत्येक व्यक्ति मध्य कार्य कर जो मैंने साधना कर साधना कर प्रत्येक व्यक्ति भितर भागवत शक्ति कार्य कर भागवत शक्ति समस्त शरीर थी ये जब विश्वास कर व्यक्ति कि माँ मो सांग मत रक्षा कर माँ समस्त विपद रु विपद दुख कष्ट बाधा विघ्न को अतिक्रम कर ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमी परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद आंभ मानकर एहा परम सौभाग्य एही दिव्य अवसर रे आंभ मानंकु श्रीमा प्रभु श्री अरविंदंक दिव्य वाणी श्रवण करिबा पई जे ओपा भाई ऑनलाइन सभरे जोग देबा पई सुजोग देथिबारु आंभे माने कृतज्ञ मांकर अमृतमयी बाणी परसि देबा पई जेऊ अपा भाई इच्छुक सेमानंकु हृदयर सहित स्वागत करुछि सेमाने हेले डॉक्टर आलोक पांडे श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी रो विशिष्ट मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अध्यापिका अर्चना नायक कलिकतार अध्यापक श्रीजुक्त विश्वनाथ राय पंडिचेरी रु प्रोफेसर डॉक्टर अशोक दास एनएलईटी सेक्रेटरी श्रीजुक्त प्रसाद त्रिपाठी प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा कानून गो स्त्री रोग विशेषज्ञ सुश्री गीतांजलि सेनापति गंजाम जिला संगठिका श्रीजुक्त सी एच निराकर ओडिशा राज्य संगठक विशिष्ट साधक प्रोफेसर डॉक्टर विरंची नारायण महापात्र एनएलईटी सभापति श्रीजुक्त गदाधर मिश्र डॉक्टर विजयनी महापात्र ओडिशा राज्य संगठिका श्रीमती अंजलि सिन्हा यह व्यतीत ओडिशार घरे घरे शुणुवा समस्त भाई और भौनी मानंकु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपा भाई छात्र छात्री अभिभावक गण एवं अन्य समस्त मातृप्रेमी भाई अपा मानंकु मु पुणि थरे हृदय रु स्वागत जनाउछि वंदे मातरम। दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ये 42वां निखिल उत्कल श्री अरविंद महिला पाठचक्र सम्मेलनी रे ऑनलाइन कार्यक्रम रे जोग देथिवा समस्त सम्मानस्पद मातृप्रेमी भौणी और भाई मानंकु मोर नमस्कार। महिला सम्मेलनी आमर प्रत्येक वर्ष ये जानुरी 24, 25, 26 रे हुए प्रत्येक 4 वर्ष थे कटक मातृभवन ठारे हुए या पूर्व वर्ष कटक मातृभवन ठारे से गत वर्षर
ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ମାନେ ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ କଟକ ମାତୃଭୁବନଠାରେ। ତାପରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ଏଇ କରୋନାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଆମର ସେଇଦିନ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ କରୋନାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲିଲା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଏଥର ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ ସେଠି କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସେଇଠି ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏକାଠି ହେବା ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ। ଆମର ଯେତେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି ମାଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ। ଆମର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା, ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଆଉ ସିଏ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଅଧିକାର କରିବେ, ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ସକଳ ସମସ୍ୟାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପରିବାରର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାମୂହିକ ଯୋଗ, ଆଉ ଏ ସାମୂହିକ ଯୋଗରେ ବହୁତ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏଥିରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଠି କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯାହା ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଦୁଃଖବିହୀନ ପରମ ସୁଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଅମରତ୍ଵ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁ ଆସିବ କେମିତି? ଆସିବାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ପାଇବା, ଆଉ ଆମ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଅଧିକାର କରିବେ, ପୁରାପୁରି ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିଛେ, ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଜନାରୀ ଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି, ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କୃପା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେତେ ମାଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଖାଲି ଆମେ ସହର ଜାଗାରେ ନୁହଁ କି ମଫସଲରେ ବି ନୁହଁ, ଯେତେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ହେଉ, କିଛି ବି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ନିରକ୍ଷର ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ନେଇକରି ମାଆଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଏଇ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁକି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଯାହା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ତାପରେ ମା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅବତରଣ ଫଳରେ ହିଁ ଦୁଃଖବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ଆଉ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାବରଣ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳଠାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିନା ଏତେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିପାରିନଥାନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ
ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରେରଣାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଛତ ପଟରେ ରହିକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂସାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷର ନାରୀମାନେ ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଅତି ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ନୂତନ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଠି ଯେଉଁଠିକି ରାଗ ହିଂସା ଅହଂକାର କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିବନି। ଖାଲି ରାଗ ଅହଂକାର ବି ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରହିବନି, ରୋଗ ରହିବନି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବନି। ଏଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମିକା। କାରଣ ନାରୀ ମା ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର 70% ହେଲେ ଲୋକ, ଯଦି 100% ଆମେ ଧରିବା ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ 70% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯିଏ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁ ବା ନ କରୁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଇଦେଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ କାମ ହୋଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତିମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ, ଆମର ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକରି ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛେ, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପାଠ୍ୟକର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ବୁଲି ବୁଲିକି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥାଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କଟକ ମାତୃଭୂମିକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକୁ ବୁଲି ବୁଲିକି କଲୁ। 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ କଟକ ମାତୃଭୂମିଠାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 42ତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀର ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଆଉ ମିଳିଲା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିବା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଭୂମିକା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍ତେ। ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମହିଳା ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଇସ୍କେ ଲି ଏ ବିଷୟ ଦିଆ ଗିଆ ହେ ଟୁ ୟୁନାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦି ମାତାଜୀ କେ ସାଥ ଏକ ହୋନା। ୟେ ରାସ୍ତେ କେ ପହେଲେ ହମ ଲୋକ ଥୋଡ଼ା ସା ଇସ୍ ପର ଏକ ବିଚାର କର ଲେ କି ୟେ କ୍ୟୁଁ ଜରୁରୀ ହେ, ଅର୍ ସଚ ମେ ଅଗର ୟେ ହମ ନେଇ କର ପାତେ ତୋ ହମ ଜୀବନ ମେ ଜୋ କୁଛ ଭି ଅର୍ କରତେ ହେ ଓ ସବ ଆଧା ଅଧୁରା ହେ। ସଚ ତୋ ୟେ ହେ କି ହମ ସବକା ଜୀବନ ଆଧା ଅଧୁରା ହେ। ବହୁତ ବାର ମିଲତା ହୁଁ ମେଁ କଇ ଲୋଗୋଁ ସେ ଅର୍ ଓ ସବ କୋଇ ନା କୋଇ ଚିଜ ଲାଇଫ କି କୋଇ ଏସି ଚିଜ ହୋତି ହେ ଜୋ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ହୋତି ହେ। ତୋ ଜବ ଡିସ୍କସନ କରୋ ତୋ ଜୋ ଏକ କମନ ଚିଜ ନିକଲତି ହେ ହମ ସବକେ ଜୀବନ ମେ, ଓ କିସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବାତ ନହିଁ ହେ, ଓ କହତେ ହେ କି ୟେ 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 ଅଚ୍ଛା ହେ, ୟେ ୟେ ଠିକ୍ ନହିଁ ହେ, ଅଗର ୟେ ୟେ ଠିକ୍ ହୋ ଯାଏ ତ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ହୋ ଯାଏଗି। ତୋ ଫିର ମେଁ ଉନକୋ ବତାତା ହୁଁ କୁଛ ଲୋକ ହେ ଜିନକେ ଜୀବନ ମେ ୟେ ୟେ ଠିକ୍ ହେ, ଜିସକୋ ଆପକେ ଜୀବନ ମେ ଗଲତ ହେ, ଲେକିନ ଓ ସବ ଠିକ୍ ନହିଁ ହେ ଜୋ ଆପକେ ଜୀବନ ମେ ଠିକ୍ ହେ। ତୋ ଅଗର ଏସେ ମେ ଚୁନାଵ କରନା ହୋ ତୋ କ୍ୟା ଚୁନେଙ୍ଗେ, ତୋ ଅବ ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ରା ଜାତି ହେ। ତୋ ସଚ ୟେ ହେ କି ଇସ ସଂସାର ମେ ଏକ ୱିଜଡମ୍, ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ କର ରହି ହେ, ଅର୍ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପକୋ ତବ ତକ ଚୈନ ସେ ନେଇ ବୈଠନେ ଦେଗି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମେଁ ଏକ ଲାଇନ ହେ, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଅୱେ ଫ୍ରମ ଅସ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଦ ଜର୍ନି କ୍ୟାନଟ୍ ସିଜ୍।
तो वो आपको तब तक चैन से शांति से नहीं बैठने देगी जब तक आपने एक बेसिक काम जिसके लिए हम सब धरती पर आए हैं वो पूरा नहीं किया। और वो काम है, एक शब्द में पूछा जाए, देखा जाए तो बहुत एम्बिशियस प्लान लगता है, लेकिन ये एम्बिशियस प्लान नहीं है, ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। तो बच्चे भी कई बार क्या काम करें क्या काम करें क्या काम करें, सब लोगों को चाहिए होता है, सेंटर में भी जाते हैं आश्रम में भी जाते हैं, क्या हम काम करें, तो हमारा क्या काम है, हमारा ओरिजिनल काम है भगवान बनना, प्रोजेक्ट यही है। अब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में ये एक मूल अंतर है। रिलीजन कहता है भगवान है, और भगवान ने कुछ लिख दिया है कि ये करो ये ना करो, वो किताबों में लिखा है। और कुछ लोग हैं जिनको हम पंडित मौलवी पादरी कहते हैं, वो इंटरप्रेट करके आपको बताते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो का मतलब क्या है, मतलब उसका फर्दर आता है इंटरप्रिटेशन, अपने अपने हिसाब से सब लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो आप वैसा जीवन जियो जैसा किताब में लिखा है, और किताब में लिखा है किसी व्यक्ति के इंस्पिरेशन से, वो व्यक्ति भगवान की वाणी उसने सुनी थी, अब आपको केवल इसको जीना है। तो इसको करने से क्या होगा, करने से ये होगा कि मृत्यु के बाद आप एक अच्छी अवस्था में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे अगर आपने सुना है, नरक में जाएंगे अगर नहीं सुना है, ये एक रिलीजियस अप्रोच है। या दूसरा अप्रोच है कि अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो जीवन में हमारे सब अच्छा होगा, अच्छा मतलब हमारे ईगोइस्टिक जीवन बड़ा अच्छे से चलेगा, स्वार्थ से भरा हुआ जीवन, उसमें बच्चों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ माता पिता सबके ऊपर एक हाथ रहेगा। अब लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें प्रगति नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं सृष्टि के अंदर जिसको कहते हैं खेल बिगाड़ने वाला व्यक्ति, स्पॉइल स्पोर्ट। अब स्पॉइल स्पोर्ट का क्या काम होता है, आपने देखा होगा लूडो के खेल में, आप जा रहे हो 90 हो तो आप जीतने वाले, 98 पर या 99 पर एक सांप बैठा हुआ है देखा आपने, वो एक बार उसके चंगुल में गए तो सीधा ले आएगा आपको, दो या ऐसे कुछ पे ले आएगा, इतना भयानक है, बाकी जगह तो छोटे मोटे हैं। तो लगता है क्या है, इतना सब कुछ एकदम, बस चार कदम जाना था ये वापस आ गए। तो कई लोग ये देखते हैं तो कंप्लेन करते हैं, विधाता की विजडम पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये संसार बनाया है वो केवल प्रज्ञा से नहीं बनाया है, उसके पीछे प्रेम है। श्री अरविंद कहते हैं कि यदि भगवान ने नर्क भी बनाया है तो वो प्रेम से बनाया है शॉर्टकट के रूप में बनाया है। तो जब जीवन में ये जो एक, इसको क्या कहेंगे, वो एक लीवन है जो अचानक, जैसे आप दूध में डाल देते हैं ना एक बूंद या कुछ बूंद विनेगर, तो दूध फट जाता है। अब बाद में उसका पनीर बनता है, खोआ बनता है, वो बाद की बात है, लेकिन पहले तो दूध फट जाता है। तो इस तरह की कोई चीज़ है जीवन में जो हमें परस्यू करती है थ्रू आउट, और ये जो हमको अंत तक नहीं छोड़ती है उसका नाम है इनकॉन्शियंट, एक शैडो के रूप में चलती रहती है हमारे पीछे। जब आपको लगता है हाँ सब बढ़िया है तो वो धीरे से पीछे से आती, कहती सर आई एम ऑल्सो हियर। और ये किस लिए है, क्योंकि भगवान हमें एक सीमित परफेक्शन, ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग, ये तो प्रकृति बना देती है। एक बार श्री अरविंद से बरिंदा एक चिट्ठी में लिखते हैं, कहते हैं कि फलां फलां वो मैन मेकिंग में लगे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो पूछते हैं, कहते हैं मैंने अपने हिस्से की मैन मेकिंग कर ली, अब तो मैं डिवाइन मैन मेकिंग में लगा हूं। तो मैन मेकिंग, एक अच्छा मनुष्य बनना, ये एक अच्छी बात है, एक ह्यूमन आइडियल है, टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, इसको शेरविन कहते हैं मंडेन परफेक्शन, जैसे आपके धर्म में लिखा है, रिलीजन में लिखा है, स्क्रिप्चर में लिखा है। हम लोग कई बार शेरविन माता जी को भी इस तरह से लेते हैं कि माता जी ने ये कहा है, माता जी ने वो कहा है, यहाँ ये कोट है वो कोट है, उसके हिसाब से जीवन जीना, यानी हमने उसको एक रिलीजियस फ्रेम में डाल दिया, सोशल मॉरल एथिकल, और एक पशु समान मनुष्य के लिए वही बहुत बड़ी बात है, डूज एंड डोंट्स। तो वो एक फ्रेम में हम डाल करके जीवन को जीते हैं। ये हुआ मैन मेकिंग।
और ये एक अच्छी चीज़ है उस मनुष्यता के लिए जो एकदम पशु के समान जीवन जी रही है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है डिवाइन मैन मेकिंग। अब डिवाइन मैन मेकिंग और मैन मेकिंग में यह अंतर है कि मैन मनुष्य एक सीमा के अंदर ही रहता है, वो पिंजड़ा बड़ा कर सकता है। जैसे जेल में तीन प्रकार की जेल होती हैं, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। तो आप फर्स्ट क्लास जेल में, आपको सुना है मैंने कि वो फ़ोन भी होता है, टीवी भी होता है, बेड वेड सब होता है, पता नहीं क्या होता है, पर होती जेल है, आप फ्रीली नहीं जा सकते, आपकी सीमाबद्ध है। तो उसी प्रकार से हम लोगों की जो अवस्था है, हम लोग प्रिजनर ऑन पैरोल। प्रिजनर ऑफ पैरोल क्या होता है, आपको दिया गया घूम के आ जाओ, छुट्टी मना लो, आज घर में कुछ है, लेकिन रोज आकर के पैरोल पर जो प्रिजनर होता है उसको रोज आके थाने में रिपोर्ट करनी पड़ती है। आज मैं यहीं पर हूँ, इसी गांव में हूँ, आप देश को बाहर नहीं छोड़ सकते, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो शेरविंद बताते हैं, शेरविंद की राइटिंग में है कि लाइक प्रिजनर ऑन पैरोल, हम छूटे हुए हैं किसकी जेल से, और वो भी एक भ्रांति है क्योंकि हम छूटे नहीं हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको फ्रीडम मिली हुई है। किसकी जेल है, अज्ञान अचित अंधकार की जेल है, जिसका मालिक है डेथ इनकॉन्शियंट, जिसका मैनेजर है डाउट डिस्पेयर, और वो हमको थोड़ी देर के लिए पैरोल पर, हम बाहर हैं, हमको लग रहा है हम फ्री हैं, लेकिन हम फ्री नहीं हैं। हम फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम स्लेव हैं अपने ही थॉट्स के, अपनी ही फीलिंग्स के। एक थॉट आता है हमको वही सच लगने लगता है, लोग कहते हैं माई थॉट, माई थॉट कुछ होता ही नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ के उसमें थोड़ा प्रवेश करेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे देयर इज नथिंग लाइक माई थॉट, देयर इज नथिंग लाइक माई फीलिंग। ये तो सब तरंगे हैं, समुद्र में आप जा रहे हैं, जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर तरंग आके आपको ऐसे उठा रही है, कहीं शांत शरीर सागर है तो आप कहते हैं बहुत शांत लग रहा है, चले जाइए बे ऑफ बंगाल में, देखिए शांति कैसे चली जाएगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल नेचर में। और उसी प्रकार से टाइम के रिद्म होते हैं, स्पेस के अंदर ऐसे मोमेंट्स आते हैं, टाइम के रिद्म होते हैं। एक समय आता है जब आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, एक समय आता है जब सब अच्छे से चल रहा है। सो ये एक्चुअली उथल पुथल वाला समय जब आता है तो वास्तव में आपकी प्रोग्रेस के लिए आता है। इसका कारण ये रहता है क्योंकि भगवान कहते हैं शांति होगी, बहुत अच्छा, अब ठीक है, लेट मी नाउ इवॉल्व यू। आज भी कोई कह रहा था कि मैं आश्रम आना चाहता हूँ, मैंने कहा क्यों आना चाहते हैं, कहते मुझे नहीं आश्रम में काम करना है। तो क्यों काम करना है आश्रम में क्यों, तो सोच के फिर कहा नहीं मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा ये तो छीन ली जाएगी यहाँ पर आकर। क्यों छीन ली जाएगी, क्योंकि जिसको हम शांति कहते हैं, मनुष्य की शांति, वो शव की शांति है। जीवन में समस्याओं के अभाव को हम शांति कहते हैं, पर डिवाइन ये नहीं चाहते। डिवाइन कहते हैं वो शांति जो आपको बैटलफील्ड में भी मिले। तो अब अगर हम देखें तो कितनी सीमाओं में हम रहते हैं, हमारे ज्ञान की सीमा है, हमारे प्रेम की सीमा है, हमारे अंदर जॉय की सीमा है, शांति की सीमा है, लाइफ एनर्जी की सीमा है, शरीर की सीमा तो है ही। तो ये जब तक हम इस सीमा में रहेंगे तब तक हम प्रिजनर ऑफ पैरोल हैं। और ये सोचना कि जीवन सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कई बार लोग सेंटर में ये होती है लड़ाई झगड़ा, आपस में तनातनी, मतभेद, डिसहार्मनी, कहते पता नहीं क्यों ये होता रहता है यहाँ पर। तो उनको समझाना चाहिए क्योंकि भगवान इसके मैनेजर हैं, माइंड मैनेजर नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, आपके हर टेम्पररी फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। वो स्पॉइल स्पोर्ट के पीछे भी वही छिपे हैं। आपको लगा टेम्पररीली ये बड़ा सुंदर है, वो टूटेगा, क्यों टूटेगा, उसका आधार सही नहीं है। तो भगवान से यूनियन का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपने जीवन के आधार को करेक्ट करें। शेरविंद यहां ये बताते हैं अपने एक पत्र में कि एक स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है जहाँ पर हम एक अलग प्रकार के आध्यात्मिक विकास को संभव करने की चेष्टा में लगे हैं, जिसका आधार क्या, अभी हमारे जीवन का ईगो है। भगवान का काम भी करते हैं तो ईगो, उसमें भी ये कंपटीशन होता है, मैंने कितना काम किया। कल ही कोई बात हो रही थी, मैंने, वो लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 6 घंटे काम करता हूँ, ये सब चलेगा इसमें। ये नहीं कि आपको समय होना चाहिए, समय से काम करना चाहिए, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, लेकिन हमको उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इससे। ये चीज़ें अच्छी हैं, मनुष्य के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है, लेकिन
वहाँ भी ईगो आ जाती है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं भगवान के ज़्यादा करीब हूँ, मैं ज़्यादा उच्च कोटि का साधक हूँ, इत्यादि इत्यादि, मैं बहुत बड़ा संसार के मंच पर हूँ। ये सब चीज़ें ईगो का खेल हैं, सब चीज़ें। और जब तक हमारे जीवन का आधार ईगो है, चाहे हम भगवान के रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ जाके प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जब तक हमारे एस्पिरेशन के बीच में, केंद्र में ईगो और एम्बिशन है, तब तक वो फल नहीं लाएंगे। तब तक भगवान हमको बार बार दिखाएंगे कि देखिए छिपा है, देखिए छिपा है। एक शेरविद की वो है ना कि इफ एन एस्पिरेशन एंड फेथ टेंटेड विद ईगो एम्बिशन इज ए लो एंड स्मोक ऑब्स्क्योर्ड फ्लेम दैट कैनॉट बर्न अपवर्ड टू हेवन। वो जलने नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर ये फ्यूल गलत है। तो सबसे पहली चीज जो करनी होती है जब हम ये प्रयास करते हैं कि भगवान टू यूनाइट विद दी, सब अल्टीमेट प्रोग्राम है जीवन का, और मनुष्य बना इसलिए है, इसलिए वो मनुष्य जब तक वो नहीं पहुंचेगा वहां तक उसका जीवन आधा अधूरा रहेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो यही एक मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि हम बिना भगवान से यूनाइट हुए। तो ट्रेडिशन में भी तो कहते हैं डिवाइन यूनियन की, लेकिन वहाँ पे कहते हैं सोल यूनाइट कर जाएगी। प्रकृति तो प्रिजनर और पेरोल है, लेकिन आपकी सोल यूनाइट कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हैं, जेल से आपको पेरोल पर भेजा गया, तो आपको लागू तो वो सारे नियम होंगे, लेकिन चूंकि आपकी प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है, तो उसमें एक मॉडिफिकेशन आ जाएगा। जहां आपको जरूरत पड़ी आपने फ़ोन किया, थोड़ी बहुत आपको सुविधा हो जाएगी। तो सोल हमारी डिवाइन से यूनाइट हो सकती है, ये तो वेदांत में भी इसकी बात कही गई है, इसको सुप्रीम लक्ष्य कहा गया। लेकिन हमारी प्रकृति वैसी की वैसी है। इवन गीता के योग में हम देखते हैं कि सोल की यूनियन की बात है, मदभाव मदगतः, लेकिन नेचर के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं ये त्रिगुणात्मक प्रकृति सत्व रज गुण तमा इसी के अधीन रहेगी। श्री अरविंद इस नेचर को बदलना चाहते हैं। नेचर जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारा जीवन आधा अधूरा रहेगा। प्रकृति को बदलने की प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर केवल यूनियन सोल की होनी है मुक्ति के लिए, संसार में रहते हुए जीवन मुक्त के लिए, वो आसान है, आसान नहीं है पर रिलेटिवली आसान है। लेकिन चूंकि प्रकृति को चेंज करना है, रूपांतरण होना है, तो प्रकृति के अंदर उतरना है, प्रकृति के भिन्न भिन्न भाग हमारे सामने आएंगे, उनको देखना है, वो एक प्रोसेस है। और जब श्री अरविंद के योग में ये कहा जाता है यूनियन विद द डिवाइन या यूनियन विद द मदर, इसका अर्थ ये होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर का जीवन चल रहा है जैसे चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक डॉक्टर है तो जैसे वो मेडिकल प्रैक्टिस करता था वैसे कर रहा है, लेकिन अंदर में वो फ्री है, बंधा नहीं है किसी चीज़ से। तो पहली चीज़ ये करनी है कि डिवाइन मस्ट बिकम द सेंटर ऑफ अ लाइफ। इसका अर्थ ये है, शेरविन उसको कहते हैं शिफ्टिंग द मोटिव फोर्स। काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन काम करने का मोटिव क्या है? काम करने का आमतौर पर मोटिव होता है हमारे ईगो का सेटिस्फैक्शन। जीवन के सभी चीज संबंध हैं, संबंधों का मोटिव क्या होता है? इमोशनल हंगर को सेटिस्फाई करना। पढ़ाई होती है, उसके पीछे मोटिव क्या होता है? या तो एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन फॉर द जॉय ऑफ इट। कुछ थिंकर्स होते हैं जो केवल वो ज्ञान, मतलब उनको बड़ा मजा आता है, ये किताब भी पढ़ी, वो किताब भी पढ़ी, खूब सारी पढ़ी, क्योंकि उनको एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर होता है एक अलग तरह का, मेंटल डिस्कशन इत्यादि में। तो ये सारे जो मोटिव्स हैं ये लोअर मोटिव्स हैं, लेकिन हायर मोटिव ये है कि ये भी अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या प्राप्त करना है? माता जी की एक बड़ी सुंदर छोटी सी प्रेयर है, उसमें ये बड़े सुंदर ढंग से कहा है। माँ की प्रेयर है, अवेकनिंग अस एन आर्डेंट डिजायर टू नो दी। फिर आगे लिखती है व्हाई टू नो दी, टू नो दी सो एज टू सर्व दी बेटर। भगवान को जानना, अब भगवान को जानने का अर्थ है क्योंकि सारी चीज़ें, अब भगवान को जानने से हम दो चीज़ लेते हैं। भगवान को जानना मतलब हमने स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में पढ़ लिया, सिंथेसिस ऑफ योगा पढ़ लिया, लाइफ डिवाइन पढ़ लिया, सावित्री उस पर टॉक्स दे दिया, नहीं, ये भगवान को जानना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं समग्रम माम। भगवान को जानने का मतलब है कि जब मैं स्नान कर रहा हूँ तो कैसे स्नान किया जाए, जब मैं कपड़ा धो रहा हूँ तो कैसे धोया जाए, जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो कैसे बातचीत की जाए,
जब कोई मुझे आघात पहुंचा रहा है इमोशनली, तो मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं। भगवान को जानना समग्र माम मतलब हर डिटेल में जीवन के, एक गति ईगो की है और एक गति भगवान की है, क्योंकि भगवान सब गतियों में उतरे हुए हैं। अब देखिए उनको कितने लोग क्या क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, अविश्वास करते हैं, डिनाई करते हैं, भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। माता जी एक जगह कहती हैं, मैंने देखा कि यदि भगवान एक क्षण के लिए मनुष्य की तरह सोचने लग जाए तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। कहती एक क्षण के लिए अगर भगवान की सोच मनुष्य की जैसी हो जाए तो ये सृष्टि कोलैप्स कर जाएगी। क्यों? मनुष्य क्या सोचता, अरे मेरे साथ उसने ऐसा किया, जाओ मैं रूठ गया। अब सोचिए अगर भगवान एक क्षण को बोले मैं रूठ गया, भगवान मुड़ गए, विमुख हो गए, तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाए। वो नहीं करते हैं, वो जब देखते हैं कि अच्छा ये रूठा है तो वो क्या करेंगे। बड़ी सुंदर मैंने एक पढ़ी थी, एक कभी कभी इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं ज्ञानवर्धन या ज्ञान से प्रेरित, कि जीवन की समस्याओं का ये है कि आप कहते हैं आपस में प्रेम होना चाहिए, प्रेम बढ़ाओ। तो यदि दूसरा व्यक्ति आपके प्रेम को समझे नहीं, एक्नॉलेज नहीं करे, तो क्या करना चाहिए? प्रेम दवाई है, दूसरा नहीं समझ रहा है, उसको लेके फेंक रहा है। तो उत्तर था प्रेम को और बढ़ाओ। ये बात मुझे बहुत, माँ से एक बार किसी ने पूछा था, माँ से कहा था कि माँ हम किसी व्यक्ति में फेथ रखते हैं लेकिन वो हमें धोखा दे देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या मतलब हमारा फेथ गलत था? कहती नहीं, तुम्हारा फेथ अपूर्ण था। वो ये नहीं कहती हैं कि फेथ तुम्हारा गलत था, तुम्हें देखो इंसान में तुमने भरोसा, वो कहती तुम्हारा फेथ अपूर्ण था। अब क्यों अपूर्ण था? क्योंकि तुमने उसके मनुष्यत्व, उस बाहरी चीज पर तुमने फेथ रखा। तुमको उसके दिव्य एस्पेक्ट पर फेथ रखना चाहिए था कि इफ़ यू से ही इज़ ब्यूटिफुल वन डे ही विल बिकम ब्यूटिफुल, क्योंकि आपका वो फेथ है। लेकिन हम लोग कहते हैं ही इज़ ब्यूटिफुल तब तक जब तक वो हमारे ईगो का पोषण करता है। जिस दिन वो कहता है कि यू आर नो गुड, अच्छा तुम क्या हो, मैं अभी तुम्हें आईना दिखाता हूं कि तुम क्या हो ना, एक दिन में वो बबल पूरा टूट के कोलैप्स कर जाता है। लेकिन डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन को जब हम कहते हैं कि आप तो बहुत बेकार हो, ये दुनिया देखो आपने कैसी बनाई है, तो भगवान कहते हैं ओहो अच्छा समझा, तेरा फॉल्ट नहीं है। फिर किसका फॉल्ट है? वो तेरे पास जो आईना है ना वो गलत है, गलत ट्रेडमार्क का है। कौन सा आईना है? ईगो का आईना है। वेट वेट वेट, मैं तुझे असली वाला आईना देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, तुम्हें असली वाला आईना देखते हैं। जब उसमें आप देखते हो कहते हो कि ये तो दुनिया अलग लग रही है, तो फिर आप कहते हैं नहीं नहीं तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे वही आईना दो, वो मेरा ओरिजिनल आईना है, वो तो मुझे जन्म से मिला था, आप ये चीटिंग मत करो। तो फिर आप उसमें देखते देखो डिस्टॉर्टेड है दुनिया देखो, तो भगवान कहते हैं ये तेरा डिस्टॉर्टेड आईना है। तो फिर से जब आप उसमें देखते हो देखते दुनिया बिल्कुल सही है। ये एक्चुअल, वैसे तो ये हम लोग जोक का विषय, लेकिन ये रियलिटी है कि जब भगवान से यूनियन होती है तो इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण ये होता है कि जब हमारी यूनियन होती है तब हम शांति और आनंद से भर जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार एक आश्रम के बड़े वरिष्ठ साधक, पार्किंसोनिज्म, पूरा हाथ पांव कांप रहा है, वयोवृद्ध 80s में थे शायद, 87, 88, 89 होगा। तो इंडियन साइंस कांग्रेस ने उनको एक रिवार्ड के लिए बुलाया था। पहुँच गए, बोले रिवार्ड से ज़्यादा माताजी श्री अरविंद के बारे में कुछ कह दूंगा। तो वो हमारा एक स्टडी सर्किल था, उसमें आए थे। वहाँ एक बड़े सीरियस साधक थे, तो ये सीरियस अगर साधक के आगे एडजेक्टिव लग जाए मतलब कुछ गड़बड़ साधक। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, जब उनसे वो साधक सुन रहे थे इनकी बातें, तो वो जो पार्किंसन वाले थे उनके अंदर एक नेचुरल जॉय था जो बड़ा अजीब लग रहा था, शरीर कांप रहा है लेकिन अंदर उनके अंदर एक जॉय है। तो उन्होंने बीच में बड़े सीरियस टोन में पूछा, कहा अच्छा ये सब ठीक है, आप हमें कुछ सीरियस साधना के बारे में बताइए, सीरियस साधना कैसे की जाती है? तो उन्होंने कहा कि आनंद से की जाती है, आप आनंदमय के पास जा रहे हो। तो कहा नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सीरियसली साधना कर रहा है तो क्या होगा? तो कह रहे हैं और आनंद आएगा। तो अब उन वो सुनना चाह रहे थे कुछ और, तो निरुत्तर हो गए।
तो भगवान से यूनियन का जो पहला लक्षण होता है, ये बड़ा सुंदर लक्षण इसमें उपनिषद में बताया हुआ है, उसमें ये भी बताया हुआ है कि क्या भाव होना चाहिए और उसका आपको क्या लक्षण होगा। तो वो लोग आएंगे बोले हमको ये एक्सपीरियंस हुआ वो, इस पर मत जाइए, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या देखा कब देखा, ये विजन्स दे आर नॉट, दे आर एक्सपीरियंसेस, वेदर दे आर रियल नॉन रियल, जिसने देखा सब मिक्सचर है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, सही भी होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ वो नहीं है, आपकी चेतना की अवस्था क्या है। तो उपनिषद में कहा है कि तेषाम सुखम तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, कौन देखता है उसको जो धीर है। धीर कौन है? मार्ग में सब आएगा, कभी आपको हाई राइजिंग सुनामी आएगी, कभी एकदम बड़ा चपल चंचल यामिनी, आपको दोनों अवस्थाओं में स्थिर रहना है, धीर रहना है। क्यों? क्योंकि ये सोच के मेरा लक्ष्य वहाँ है। तो कहते हैं तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेषाम, उसके अंदर क्या होता है, एक शाश्वत सुख स्थापित हो जाता है। फिर दूसरी लाइन में, दूसरा श्लोक सिमिलर चीज में थोड़ा बदलता है, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, फिर वो बताती उपनिषद स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेत्रेषाम, पीस एंड जॉय आर द फर्स्ट साइंस कि भगवान हमारे पास है। आने मात्र से आपको कुछ उनको बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, आप दूर से भी उनके ऊर्जा के क्षेत्र में चले जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर शांति और सुख आ जाएगा, ये साइन है इसका। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि भगवान मेरे बहुत कष्ट है देखो ना, वो तो एक बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में बुक 2 कैंटो 14 में, इट स्टिल्ड ऑल वीपिंग विद इट्स हैंड्स ऑफ जॉय, और कैसे करते हैं, इट्स पावर वॉज टू रिवील डिविनिटी, बुक 2 है माता जी का जो वर्ड्स ऑफ मदर, उसमें माता जी कहती है कि हमें क्या भाव रखना चाहिए अपने अंदर और सबके साथ, ये भाव रखना चाहिए कि हम जब भी किसी से मिलें हम कह सकें अराइज अवेक ओर स्प्लेंडेंट वन, कोई दुख में है पीड़ा में है, अरे अपने को तो पहचानो, छोड़ो किसने तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, तुम कौन हो। जिस दिन मनुष्य ये जान जाएगा कि वो कौन है वो नहीं दुखी होगा। माइक जय कहती डिवाइन लव इज द परमानेंट कुशन अगेंस्ट एवरीथिंग, तो ये डिवाइन बनना इस प्रोसेस को योग कर कहते हैं हमारी सारी प्रकृति में। इसको तीन रूट खुलते हैं इस तरफ, एक रूट है जो मन के द्वार से ज्ञान। अब ज्ञान क्या है, किताबें पढ़ना ज्ञान नहीं है, ज्ञान की तैयारी है, मेंटल मसल बिल्डिंग है ताकि जब ज्ञान प्रकट हो तो आम कोलैप्स ना कर जाए। तो मेंटल मसल आप एक्सरसाइज करते हैं शरीर, तो मेंटल मसल्स हैं, जब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस लाइफ डिवाइन तो एक तैयारी होती है, एक टाइम आता है जब एकदम मन शांत हो जाता है, तो आप तैयार हैं हम रियल चीज़ के लिए। वो किताबों में क्या है, वो जो वर्ड्स हैं वो कैप्सूल ऑफ लाइट हैं, धीरे धीरे हम उनको जब सेवन करते हैं तो हम लाइट के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर एक दिन अचानक भगवान का प्रकाश उनका ज्ञान जब उतरता है तो सब स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। तब क्या होता है, तब एक नए ढंग से जैसे भगवान देखते हैं संसार को वैसे हम देखने लगते हैं। माता जी इसको कहती हैं इट्स ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। भगवान संसार को कैसे देखते हैं, नेचुरली भिन्न देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो सब होता है जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन भगवान फिर भी अलाउ करते हैं। तो क्यों अलाउ करते हैं, उसके पीछे उनकी विजडम क्या है, तो उस विजडम को हम पकड़ने लगते हैं। तब क्या होता है, इन एवरी एक्ट इट सॉ द हैंड ऑफ गॉड। अभी हम देखते हैं, हम कहते हैं अरे वो तो इतना अच्छा आदमी था, भगवान को इतना वो करता था, उसके जीवन में कष्ट क्यों आया, लेकिन जो भगवान से जुड़ा है वो देख के जानता है कि उसके जीवन में कष्ट क्यों आया। इसमें पाप पुण्य की बात नहीं है, वो देखता है मैटर का इम्परफेक्शन है, वो देखता है कि वो किसी और काम के लिए उसका बीइंग उस, कभी कभी कुछ लोग विष पीते हैं, इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके अंदर शिवत्व है, ये उनका पथ है, खुशी खुशी पीते हैं। जब असुर विष को अपने अंदर रखता है तो अज्ञान में रखता है, लेकिन जब शिव विष को धारण करते हैं तो वो ज्ञानपूर्वक कि ठीक है इट्स ए पॉइजन दे टेक इन, और उसके बदले में वो
शांति देते हैं, क्योंकि ये उनका कर्म है। वो ये नहीं बताते हैं, पता है तुम्हारा पॉइजन में ले रहा हूँ उसको एब्जॉर्व करते हैं, उसकी जगह वो देते हैं। अब ये इट्स ए वे ऑफ ग्रोथ। भगवान संसार को ऐसे देखते हैं, साथ में क्या देखते हैं, एकत्व देखते हैं। हम लोग हर चीज़ को अलग अलग भिन्न 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 देखते हैं। हम जोड़ते भी हैं लोगों से तो कैसे जुड़ते हैं, ये तो मेरा परिवार का है, ये मेरी भाषा बोलता है, इसका तो कस्टम वही है, ये तो इसी को मानने वाला है, ये सब हमारे एक हैं और जो अन्य हैं वो हमसे अलग हैं। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम वैसे संसार को देखने लगते हैं एक एकत्व के भाव से, जो बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके साथ सेम रिलेशन होगा, नहीं, भगवान भी ऐसा नहीं करते हैं। अर्जुन के रथ पे बैठते हैं और कर्ण को मारते हैं, लेकिन प्रेम कर्ण को भी उतने ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जैसा एक्शन करेंगे। एक्शन किस बेसिस पे करेंगे ये भी माँ बताती हैं कि मनुष्य कभी भगवान के एक्शन को क्यों नहीं समझ पाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर डिज़ायर्स हैं और डिज़ायर्स और यूनियन विद द डिवाइन एकदम अपोजिट हैं। वही एनर्जी, सेम एनर्जी जो डिज़ायर सेटिस्फैक्शन में जाती है, वही एनर्जी भगवान के साथ यूनियन में जाती है। आप पढ़िए, वो माता जी जहाँ बताती यूनियन विद द डिवाइन स्टार्ट उससे करती हैं। द सेम एनर्जी ऑफ द वाइटल विच गोज इन सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर इज द सेम एनर्जी दैट गोज इन टू यूनियन विद द डिवाइन। तो जब हम उस हिसाब से काम करने लगते हैं भगवान, तो माँ बताती हैं कि क्योंकि मनुष्य के अंदर डिज़ायर होती है तो भगवान के एक्शन को समझ नहीं पाते, और भगवान हर किसी के अंदर अलग अलग ढंग से एक्ट करते हैं। एक व्यक्ति को यहाँ पे अभी जो डिज़रे होम है, अब वो सारा घर इतना बड़ा, वो एक अकेली महिला एक समय था जब उसमें रहती थी, तो माता जी ने कहा नो, यू आर मेंट टू बी इन दैट हाउस। अब ये ऐसे नहीं था, अरे तो हम लोग मेंटल सोच क्या होगी, अरे, और उनको कुछ करना नहीं था, कुछ नहीं। अब ये माता जी की दृष्टि है, वेरेस गंगाधरन जी जिनको इतने सुंदर सुंदर अनुभव होते थे, एक छोटे से कमरे के अंदर रहते थे। ये एक अलग लॉ है, और माँ कहती हैं उसके बारे में कि एक ही शब्द है जो इसको डिवाइन एक्शन को करेक्टली ट्रांसलेट कर सकता है, वो शब्द है धर्मा। धर्मा इन द सेंस नॉट रिलीजन बट द लॉ ऑफ बीइंग, हर किसी के विकास के लिए क्या जरूरी है उस हिसाब से भगवान उसको अनुभव देते हैं। इस हिसाब से नहीं कि अच्छा चलो सबको हम सब एक जैसी चीज़ें दे दें, भगवान ऐसे नहीं करते हैं। किसी के विकास के लिए ये चैलेंज इस समय जरूरी है। अच्छा, चैलेंज का भी वो टाइम चुनते हैं, आएगा सबके जीवन में, क्योंकि वो शैडो है ना, वो पीछे जो चल रहा है, मिस्टर नोबडी हु इज़ एवरीबडी, तो आप जा रहे हैं तो। लेकिन भगवान इतना परफेक्ट टाइमिंग होता है उसका कि जब आप रेडी हो, जब आपके अंदर थोड़ा कृष्ण जी डेवलप हो गए हैं, तब कहते हैं अब कंस आएगा तेरे सामने। अभी तक तो छोटे मोटे वो तृणाव्रत, ये छोटे मोटे नहीं थे, तृणाव्रत तघासुर ये सब आ गए। अभी तुम्हारे सामने जो रियल इन सब का जो फादर है वो आने वाला है, लेकिन तब तक कृष्ण जी भी पोषित हो गए। द स्टोरी ऑफ कृष्णा इज द स्टोरी ऑफ द साइकिक बीइंग। जितने आप डेवलप होंगे उतना बड़ा चैलेंज आएगा। तो आप देखिए, दृष्टि जब बदलेगी, तो जब बड़ा चैलेंज आएगा तो बोलेंगे ओह थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस योग्य समझा। देखिए दृष्टि बदल गई आपकी, अब ये मेंटली नहीं आ सकता है, ये बोलने की चीज़ नहीं है, अंदर में आपकी ग्रैटिट्यूड जन्मेगा कि यू थिंक आई एम वर्दी ऑफ गोइंग थ्रू इट। ठीक है, संभालो, चैलेंज भी आपने दिया है, संभालोगे आप। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है, देखो इतना अच्छा भला मेरा चल रहा था, सारा काम बिगाड़ दिया। ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं सोच के कि क्या फ़ायदा। आई नो पीपल जो नहीं झेल पाते, इसीलिए माँ एंड्योरेंस, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, फेथ एंड एंड्योरेंस बहुत चाहिए, और समय समय पर ये होगा। स्पॉइल स्पोर्ट जो चलता है साथ में, जो वास्तव में हमारे इवोल्यूशन को श्री अरविंद बताते हैं, सावित्री जब डेथ, जब मास्क स्लेन हो जाता है, डेथ जब इट इज स्लेन, तो कौन इमर्ज होता है उसकी जगह पर, शी सीज द सेम वन who had come to her in the mask of terror and death, now assumed a beautiful face. और उनको देख के वो कहती है, oh, all suffering was justified to reach here. वही है जिसने ये मास्क पहना है। और जिस दिन आप इस खेल को समझ जाओगे तो लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल,
जब भी वो मास्क लगा के सामने आए तो बोलना चाहिए क्या भगवान अभी भी क्या छिप करके अंदर में स्माइल कर रहे हो, सीधे सामने आके स्माइल करो ना। पता नहीं आप लोग करते कि नहीं, मैं तो ये अब जब जाता हूँ नर्सिंग होम में तो पहले कृष्ण जी की स्टैचू आती है तो आप सब लोग मास्क पहन के सीधा सीधा, तो सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ मास्क उतारता हूँ, कहता हूँ अच्छे से स्माइल कर रहा हूँ आप भी अच्छे से स्माइल करना। ये मतलब नहीं कि मैंने मास्क पहना है तो आप भी टिट फॉर टैट मास्क लगा लो, आई एम अरे लिविंग प्रेजेंस है, आपने उनको एक माला वाला पहना दी चले गए सामने से, ये क्या होता है कहीं पर भी, इतना काफ़ी नहीं, एक सुंदर स्कल्पचर रखा हुआ है, आप एक मूर्ति लाके इस ब्यूटिफुल एंटीक पीस, तो भगवान कहते हैं कि मुझे तुमने एंटीक बना दिया ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एंट तुमको भी मैं एंटिक एंटिक के रूप में लूंगा, आई विल नेवर टेक यू सीरियसली, वेन एवर यू से आई विल से यू आर एन एंटिक पीस, मैं तो न्यू क्रिएशन जा रहा हूँ। तो भगवान ये एक्टिविटी हमारे एक्शन भी फिर डिवाइन विल की अनफोल्डिंग होने लगती है, फिर हमारी प्रार्थना भी बदल जाती है। कौन सी प्रार्थना करने से भगवान जल्दी मिलेंगे? एक प्रार्थना है कि भगवान जल्दी मिल जाओ, वो तो कॉमन सेंस वाली प्रार्थना है, तो भगवान कहते हैं जल्दी ठीक है, उनकी जल्दी हजार बरस हो सकती है क्योंकि उनके लिए तो सहस्राब्दियां हैं, जल्दी हाँ जल्दी मिलूंगा, तो जल्दी का भी टाइम फिक्स किया, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा, आधी रात का मतलब जब सारा अंधकार होगा आपके जीवन में कुछ नहीं दिख रहा होगा तो कहेंगे यहां मिलूंगा मैं तुझसे घनी रात में, आप उस समय सो गए या घबरा रहे हैं तो भगवान तो आके नॉक करके चले जाएंगे, तो भगवान से ये प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी, आई वॉन्ट टू यूनाइट विद यू, वेरी गुड, बड़ा भयंकर है ये ऐसे पूछ लेना। एक सज्जन है यहां पर खुद बता रहे थे, नहीं प्रे बट यू शुड नो व्हाट इट मींस, उन्होंने माताजी के सामने वो खुद बता रहे थे अपने जीवन की एक कहानी, कहते कि मैंने माताजी ने कहा आस्क एनीथिंग, तो मैंने माताजी से कहा मदर आई वांट सेल्फ रियलाइजेशन, तो माँ ने कहा ओके, कहते मेरा जीवन इतना सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो जब वो अपनी वाइफ को कहते थे कि देखो क्या हुआ, कहते तुमने मांगा था ऐसा चीज तो तुमसे सब तो छीनेगा, सेल्फ रियलाइजेशन होना है, तो वो मुझे बता रहे थे और बड़े अच्छे से कहते हैं आई रिमेंबर इट आई हैड आस्क्ड फॉर इट, उनके मन में ये आया। तो ये प्रेयर आई वांट टू यूनाइट विद यू का मतलब क्या है? अगर भगवान ने कह दिया ओके यस, फिर आप बोलेंगे मुझे अपने बच्चे से भी यूनियन चाहिए, मुझे अपनी वाइफ हस्बैंड से भी यूनियन चाहिए, भगवान कहेंगे अब तो मैंने कह दिया है कि आई विल यूनाइट विद यू, तो या तो तेरे बच्चे वाइफ हस्बैंड सब के अंदर मैं आ जाऊं और तुझ में साहस है तो देख मुझे ही देख सब में, फिर तू झगड़ा नहीं करेगा कंप्लेन नहीं करेगा, वो मैं ही हूं तो तू ये सपरिवार चलता हुआ पहुंचेगा, या फिर ये सब तेरे से छिन जाएंगे क्योंकि तूने ही कहा है कि आई वांट यूनियन विद यू। तो जो सबसे सिंपल तरीका माँ बताती हैं जो जीवन से होके निकलता है, एक तरीका है मेडिटेशन कंसंट्रेशन का, अंदर 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 आप खोजते रहो कहाँ चढ़ जाएंगे, कुछ समय बाद श्वास चढ़ने लगेगा, इट्स नॉट ईजी, आवर्स एंड आवर्स सिटिंग फॉर मेडिटेशन, आप सो के उठोगे आपको लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है भगवान से मेरी यूनियन हो गई है। माँ कहती है कुछ लोग मेडिटेट करते हैं और वो एक अच्छी स्टेट में चले जाते हैं जो उनको लगता है बहुत अच्छी है, और जब वो उससे बाहर निकलते हैं तो उनको बड़ा फ्रेश लगता है और उनको लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा अनुभव कर लिया, बट इट इज़ नॉट यूनियन विद द डिवाइन, यूनियन विद द डिवाइन इज़ ए ट्रेमेंडसली पावरफुल थिंग, वो आपके पूरे जीवन को बदल देती है, वो उस क्षण का एक्सपीरियंस नहीं है। तो व्हाट इज़ यूनियन विद द डिवाइन, उसके लिए हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? माँ कहती हैं एक ही प्रार्थना जिसको हम सारे जीवन में करें, ध्यान करें, जीवन जिए, माता जी का काम करें, सब चीज़ों में कर्म में प्रवृत्त रह के, ताकि हमारी यूनियन भी डायनामिक हो और मेनी साइडेड हो। ध्यान में जो यूनियन होती है वो वन साइडेड होती है, और जब कर्म में प्रवृत्त रह के यूनियन होती है तो कंप्लीट होती है, क्योंकि कर्म में क्या लगता है? ज्ञान भी लगता है, बुद्धि थोड़ी सी तो लगती है, वानर बुद्धि लगी, लेकिन लगी बुद्धि, थोड़ा प्रेम भी लगेगा, हृदय में प्रेम भी आएगा, आपकी लाइफ एनर्जी भी लगी और शरीर भी लगा, तो कर्म की जो यूनियन है वो कंप्लीट होती है। जो मेडिटेशन की यूनियन है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने कर्म से, मेडिटेशन में आपके माइंड का एक पोर्शन जा रहा है भगवान की ओर,
इवन अगर आप भक्ति का ध्यान करें तो आप बिलवेड, तो आपके हार्ट का एक पोर्शन जा रहा है भगवान की ओर। कर्म के द्वारा आप यूनियन करें तो आपका संकल्प जा रहा है भगवान की ओर। लेकिन कर्म का जो विशाल पथ है जिसमें ज्ञान प्रेम सब जुड़े हुए हैं, इसलिए गीता के पथ को श्री अरविंद कहते हैं द मोस्ट वाइडेस्ट रोड, श्री अरविंद के योग में एंट्री पॉइंट के लिए। तो माँ कहती हैं एक प्रार्थना करके जीवन जीना भगवान से एक होने का सबसे सुंदर उपाय है, और वह है अपने दिल में पूरी तरह सच्चे मन से भगवान को केवल एक ही बात कहना, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन। भगवान तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो, तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो। अब क्या हुआ, वो जो एनर्जी थी डिज़ायर की, जो हम भगवान को भी कहते थे मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और जब भगवान को नहीं कहते थे तब तो लगे ही थे हम लोग डिज़ायर्स में, तो क्या हुआ उसको, तो सारा जीवन चला गया। ये नहीं कि हम अगर डिज़ायर करेंगे तो भगवान सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हो सकता है करें, अर्थ अर्थार्थी इसकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वो एक हम फिर भी यूनियन नहीं होगी, हम रिलीजन के दायरे में रहकर उसी में रहेंगे, लेकिन यूनियन विद द डिवाइन हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ हमको बहुत इंटेंस अगर अपने अंदर डिज़ायर भी हो रही है। लोग कहते हैं डिज़ायर को कैसे शांत करें, तो कई लोग उसको सप्रेस करने लगते हैं। माँ कहती है देन यू विल नॉट अराइव एट यूनियन, क्योंकि क्या वो वही तो ऊर्जा थी जो आपको ले जाती, आपने तो उस ऊर्जा के ऊपर बैठ गए, आपने कहा नो आई विल नॉट, तो अब क्या हुआ दैट एनर्जी इज। अब बहुत से लोग हैं जीवन में जो अपने जीवन को कैप रख के जीते हैं, वो भगवान से नहीं मिलते हैं, दे आर नाइस पीपल, जीवन को उन्होंने रेगुलेट करना सीख लिया। तो रियल चीज़ है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जीवन के नानाविध कर्म आएंगे, दृश्य आएंगे, लेकिन ये स्मरण करके बोलते रहिए माँ 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 माँ, आपका संकल्प इसमें सिद्ध हो, मेरा नहीं, लेट दाई विल बी डन। तो क्या होता है, वही डिज़ायर की एनर्जी वो टर्न हो जाती है इन द फुलफिलमेंट ऑफ द विल। इवन वही काम है, एग्जैक्टली वही काम है, आप कुछ भिन्न नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने उसमें ये रस जोड़ दिया कि लेट दाई विल बी डन। तो ये अगर हम महामंत्र को पकड़ लें जीवन में, केवल एक महामंत्र, माँ के नाम का स्मरण, और प्रार्थना में केवल एक प्रार्थना, भगवान हमारा नहीं आपका संकल्प सिद्ध हो, क्योंकि वही सत्य होता है अंत में। कई बार लोग कहते हैं कि जीवन में मेरे ये हुआ वो हुआ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो शांति का बात है। फिर कुछ लोग कहते हैं लेट मी एक्सेप्ट इट, नहीं, शांति का बात यह है जब आप ये कहते हो भगवान से जो सत्य है वो सिद्ध हो, और अंत में सत्य ही निकलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप हाथ पटक लीजिए, पांव पटक लीजिए, सब कर लीजिए, लास्ट में जो ट्रूथ है इट विल बी विक्टोरियस। अब वो ट्रूथ कैसा होगा कोई जरूरी नहीं कि हमारे मेंटल कंसेप्ट के अनुसार हो। तो इस भाव से फेथ के साथ कि भगवान का जो सत्य है अंत में वही निकलेगा, भगवान की जो इच्छा है उसको स्वीकार करना, जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं, कंप्लेंट ग्रज करना नहीं कि अरे क्या भगवान हमारे साथ क्या हो गया, बीमारी हो गई है, असाध्य रोग लग रहा है, तब भी मुस्कुरा के ये कहना लेट दाई विल बी डन, कौन जाने कि भगवान किस द्वार से ले जा रहे हैं। और तब जब हम जीवन ऐसे जीने लगते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र माँ 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 लेट दाई विल बी डन, हम अपने आप भगवान के रंग में रंगने लगते हैं। भगवान के रंग में रंग जाना, इसी को यूनियन विद द डिवाइन कहते हैं। बड़ी सुंदर एक कबीरदास, लेकिन वो केवल सोल के लिए है, पूरे नेचर का वैसा रंग चढ़ जाए, बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, लाल ही इज द चाइल्ड ऑफ आवर डिजायर, अल्टीमेटली हम सब चीज उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। मैं तो देखने गया, सबने कहा अरे बड़ा अच्छा बच्चा है, एक बेबी है, देखने जाते हैं ना वो, जब गणेश जी आते हैं सब देवता पहुंच जाते हैं, शनि देवता भी पहुंच जाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है, शनि देवता की जिस पर दृष्टि पड़ी हो तो खराब हो जाएगा, पर वो संवरण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान का ऐसा चक्र चलता है कि वो हल्का सा दूर से रिफ्लेक्शन देखते हैं लेक के अंदर, पर रिफ्लेक्शन देखते देखते इतना अद्भुत सौंदर्य देखते हैं एक क्षण को, तो इतने में माता देख लेती हैं, तो शनि देवता का उस समय से शनि देवता के ऊपर शनि चढ़ जाता है, मतलब
उस दिन से द लॉ ऑफ जस्टिस विच ही रिप्रेजेंट्स बिगिंस टू चेंज. उनके अंदर उनके रूपांतरण की कहानी है, बड़ी गुड़ कहानी है. और वहीं गणेश जी के अंदर भी रूपांतरण होता है कि उनका मस्तक की जगह गज मस्तक आ जाता है. तो गज मस्तक के साथ वो शिव पार्वती दोनों की संतान बन जाते हैं. ईगो तो समाप्त, बिकॉज ही इज द विघ्नहर्ता. विघ्नहर्ता नॉलेज के थ्रू ऑब्स्टेकल रिसीव करते हैं. नॉलेज तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके ऊपर ये है. तो वो जो सबसे सुंदर, उनका सबसे बड़ा एसेट था गणेश जी का, हिज ब्यूटी ऑफ हिज फेस, चार्म, एंड देन ऑफ कोर्स द स्ट्रेंथ विच ही एम्बॉडीड. तो वो उसकी जगह ये आ जाता है. उसके बाद उस परफेक्ट ह्यूमिलिटी में जो ज्ञान उतरता है, ही बिकम्स द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स विद द पावर ऑफ नॉलेज. शेयरबिंद ने कहा है, हु इज गणेशा, ही रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ नॉलेज दैट रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स. तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को भगवान के रंग में रंग जाना, इसको श्री अरविंद सादृश्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, साधर्म गति, ये सब चीज़ें कहते हैं. जैसे भगवान दुनिया को देखते हैं वैसे देखना, जैसे भगवान सोचते हैं, ये वर्ड है, यू सोचते हैं, मतलब किस तरह से उनके अंदर स्पंदन उठते हैं, वैसे ही हमारे अंदर वो विचार उठना. किताब पढ़ा पढ़ा नहीं, लेकिन वैसे उठना. जैसे भगवान अनुभव करते हैं इस संसार को, वैसे ही अनुभव करना. जैसे भगवान इस संसार में कर्म करते हैं, सब कुछ उड़ेलते हैं, ओरिजिनल निष्काम कर्म तो वही कर रहे हैं. 6 बार प्रलय हो गया है लेकिन गिव अप नहीं करते हैं. ओरिजिनल निष्काम कर्म, लेकिन निष्काम कर्म में ओरिजिनल इम्पल्शन, आई हैव टू फुलफिल द डिवाइन विल, वैसे कर्म करना. और जैसे भगवान चाहते हैं कि ये हमारा फॉर्म बने, उस फॉर्म को वैसा ही बनने देना. एक ही कंडीशन है इसमें, डिजायर्स और ईगो के मार्ग पे चल के ये नहीं आ सकता है. टू रिप्लेस द डिवाइन इन प्लेस ऑफ द ईगो, द रिप्लेस द ईगो विद द साइकिक बीइंग एंड द डिवाइन, टू रिप्लेस डिजायर विद द इम्पल्स बाय द इम्पल्शन ऑफ द डिवाइन विल, दिस इज द रॉयल पाथ टू फ्रीडम एंड यूनियन विद द डिवाइन. नमस्ते. श्री माता श्री अरविंद शरण, आज आम आलोचनार विषय हूँ आध्यात्मिक जीवन नारी. ये विषय वस्तु शुणला बेले मन हम जे प्रकृत कौन आध्यात्मिक जीवन बंचवर बा आध्यात्मिक जीवन निर्वाह करने नारी पुरुष भितर किसी भेद अच्छे कि ये परवर्त पर्यायर मुझे प्रसंग आलोचना करी. कितु विशेष भाव नारी मान भूमिका कौन, से जीवनचर्यार आध्यात्मिकता किपर भाव साधित हम तामर आलोचनार कथा. आम जिते देखा आम जिते प्राचीन सभ्यता जिते प्राचीन संस्कृति सब रही नारी को केवे पुरुष समकक्ष भाव में गणना कराएना, ये स्वाभाविक कथा सर्वत्र ताकि आम आम वैदिक जुगरे जो मानक आम देखीचे जहाँ कथा आम कहू अपाला विश्ववारा लोपामुद्रा गार्गी मैत्री प्रभृति एमाने समस्ते ऋषि परंपरारे लाड़िता पालिता. एमानंकर स्वामी ऋषि एवं से आश्रमिक परिवेश रे एमाने आध्यात्म चर्चा करिछन्ते. किंतु से समय आम साधारण सामाजिक स्तर रे सामाजिक जीवन रे दैनंदिन जीवन रे आध्यात्मिक तार किभली भाव रे समाजक जीवनचर्या ता प्रतिफलित होइथिला कि नाही तार कोनोसे सूचना आम पाखरे नाही. तेणु ये आम देखा जे ये पार्थक्य कथा कहुई तार मूल कारण जदि आम वेद को जीवा से वेदर आम आत्मार जो व्याख्या कराई ऋषि मुनि मैंने व्याख्या करपष्ट भाव कही नारी पुरुष निर्विशेष आत्मारे कौन भेद ना आत्मा सर्वत्र सामान स्थित रही. तेणु ए प्रकार प्रभेद पृथकता कहीं आम भितर आसला तार कारण हूँ आमर विचार आमर अनुभव आमर सामाजिक जीवन ये सब क्षेत्र में ए प्रकार गोटे वैषम्य स्वतः कमी सृष्टि हो जाए. तेणु ये मुझे गोटे कहानी गोटे गल्प मध्यम कह चाहे जे आध्यात्मिक चर्चा नारी मान पक्षरे सहज संभव कि नुहे. जदि कहीं से भली चर्चा करे, ताहले ता प्रति
ଋଷିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିପାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ ଦେଉଛି ମହାଭାରତରେ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଯେଉଁଟା ବେଦବ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସୁଲଭାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଋଷି ଜନକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେ ଋଷି ଜନକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ରାଜପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ମିଥିଳାଧିପତି ଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଋଷି ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ସେ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ସୁଲଭା। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳରେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କାହାର ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା। ସୁଲଭା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁସନ୍ଧିଚ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ସତରେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାଜର୍ଷୀ ଜନକ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପ୍ରବେଶ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦରରେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ରାଜସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସୁଲଭଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷି ଜନକ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ସୁଲଭଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ଅଛି କି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଜନକ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସଂସ୍ରବ ଦୋଷାବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଭଳି କିଭଳି ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସୁଲଭ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ର କୌଣସି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ, ମୋର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହେ ରାଜର୍ଷୀ ଜନକ, ଆପଣ ଏତେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ଆତ୍ମାର ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜର୍ଷୀ ଜନକ ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ସେ। ସୁଲଭା କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାମାନେ ଏଠି କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ତାମାନେ କ'ଣ, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜଣେ ଋଷି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଠି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ନେବା, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ତ ଆମର ଜାଣିଛେ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଅଛି, ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ସାଂଖ୍ୟ ମୀମାଂସା ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ। ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ, ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଳବିଧ ରୂପର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସେ ସାଧିକା ହେଇପାରେ ନା ତନ୍ତ୍ରରେ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ସାଧନାର ସହଚରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ସାଧକକୁ ତାର ସାଧନାରେ ସେ ସହାୟତା କରେ, ନିଜେ ସାଧନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ, ଏଇଟି ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି କେଉଁ ଯୁଗରୁ, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ସଂଘାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ ନୁହଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଚ୍ଛଳତା ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଘର୍ଷଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଏଇଥିରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଅନ୍ତଃସତ୍ତା, ସଂଘାତ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାମର୍ଥ୍ୟ ନାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସଂଘାତପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସହଯୋଗକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସହଯୋଗ ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୃହାଙ୍ଗନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା? ତେଣୁ ଚେତନାରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆମର ଘଟିଲା କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ପ୍ରଭୃତି, ଏମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀର ଚେତନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସଂଘଟିତ କରିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସେମାନେ ସେ ସମ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପୁରୁଷ ନାମ ଶବ୍ଦଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କେବଳ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାର ଅନ୍ତଃସତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ନିହିତ ରହିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର ସମ୍ଭାବନା, ଏ ସକଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାନୁକୂଳ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ବେଦରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ଚିତ୍ର ଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର, ଏମାନେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗରିତ କଲେ, ଜନଚେତନାରେ ନାରୀର ସେଇ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ସ୍ୱରୂପକୁ ଏମାନେ ଜାଗରିତ କରିଛନ୍ତି, ଭାସରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କୋଚନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ୍ୟ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନେ ନୂତନ ଅଭିଧା ଦେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଲେ, ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ମନୀଷୀମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ବା କହିଲେ ନା, ଏ ଆତ୍ମାର ଭେଦକୁ ଯାହା ଭେଦ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସାଧନା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋଟିସିଜମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଆସୁଛି ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଏଇଟି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଦୀ ଯୁଗ। ଏ ଆତ୍ମବାଦୀ ଯୁଗର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା ବୁଝିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ମନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ଅନୁପ୍ରେରିତ, ପରିଚାଳିତ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛେ। କାରଣ ମନ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ତରରେ ଆସି ଉପନୀତ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ସେଇ ଅନୁପ୍ରେରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନା, ଆତ୍ମବାଦୀ ଯୁଗରେ ସଚେତନତା କଥା ଯେଉଁ କୁହାଉଛି ଚୈତ୍ୟ ହିଁ ଆସିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ କରି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗରିତ ହେବ, ସିଏ ଆସିକି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପ୍ରଭେଦ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ସବୁ ରହିଛି ଅଭାବ ବୋଧ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି କ'ଣ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଭାଗିଦାରୀ ନାରୀର ଯେମିତି ପୁରୁଷର ସେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଟି ଆମର କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପଚାରକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେମିତି ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାର ଅନୁସରଣରେ ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଉପାସନା, ଧର୍ମ ମାସ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସେଇ ମାସରେ ଏହା କରିବ, ଧର୍ମ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମ ଦିବସ ଅଛି ତାହିଁ ପାଳନ କରିବ, ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଦିନ ଏହା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପଚାର ସର୍ବସ୍ୱତା ପ୍ରମୁଖ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଆତ୍ମାବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଉ, ତୀର୍ଥକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ହୋଇଗଲା,
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁନା ଯେ ମୋର ନିଜ ଭିତରେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଏ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମେ ଭାବୁନା। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କଥା ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇଆ ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା। ଯୋଗ ତ ସେଇ ଅର୍ଥ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା। ସିଏ ମୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱମସି ସ୍ୱହଂ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ଏ କଥା କେମିତି ସେ ସିନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ଏ କଥା ବାବା କିଏ କହିପାରିବ? ସୋହଂ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେଣି? ସିଏ ଯେ ମୁଁ ସିଏ, ତତ୍ତ୍ୱଙ୍ଗ ସିଏ ଯେ ମୁଁ ସିଏ। ଆରେ ବାବା, ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଭିତରେ ତ କେତେ ଫରକ ଅଛି, କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେ କେଉଁ ସୁଦୂର ପରାହତ ସ୍ଥିତି, କେଉଁ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କୋଣରେ ସେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଯିବି, ସୋହଂ ବୋଲି କହିବି। କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁ କହିଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିରୁ କହିଲେ। ସେ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ଘଟିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶିବହଂ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶିବ ମୁଁ ସିଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚିତି ସେ ଲାଭ କଲେ ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତାର ସେ କହିପାରିଲେ ଯେ ସୋହଂ ସେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନ ଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବେ, ପୂଜାପୀଠ ରହିଥିବେ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଫୁଲ ସମ୍ଭାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିବା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ, କିଛି ଦିନ ଉପବାସ ରହିଗଲେ, ବ୍ରତ କରିଦେଲେ, ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମାଚାର ବା ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଉପାଚାରରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିବ? ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଯଦି ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ଦୂର ଉଠିବେ? ପାତାଳର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କେତେ ଗଭୀରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ନିଜର ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ଏ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏହା ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ତା'ର ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଗତି କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆକାଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ପାତାଳକୁ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ, ସିଏ ପାତାଳରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବ, ଗଭୀରତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ବ୍ୟାପାର, ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଏହି ହେଉଛି ଫରକ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ବାର ନଗଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଉପାସନା ନକଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତା'ର ସ୍ୱଗୃହ ଭିତରେ, ଛୋଟିଆ କୋଠରୀଟିଏ ଭିତରେ ସେ ବସିଥିବ, ତାର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଯାତ୍ରା ତା'ର ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଯେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିବ, କୁଆଡ଼େ ତା'ର ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରସାରି ଯାଉଥିବ, ସେ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଚେତନାର ବିକାଶ। ତେଣୁ ଏଠି ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏ ତ ଚେତନାଗତ ବ୍ୟାପାର, ସେ ନାରୀ ହେଉ ସେ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଚରଣ କଥା କହିଲି, ନାରୀମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଜାତିଗତ ଆମର ପ୍ରଥା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ରହିଛି, ସେମିତି କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ହୋଇଛି। ମାସର କେତୋଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାସନା କରିପାରିବେନି, ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ଏଭଳି ବି ବାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ବାରଣକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତା ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ତାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବ କିଏ? କିଏ ବାରଣ କରିବ? ଆପଣ କେତେ ଅଭିପ୍ସା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ, ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ନିଜ ଭିତରକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଚାହୁଁ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାହାର ବିକାଶ ହୁଏ? ଆମର ବିକାଶ ହୁଏ କି? ବରଂ ବିରକ୍ତି ଆସେ ମନରେ, ହେ ମୁଁ ଆକୁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରେଇ ନେବା, ତାହେଲେ କେତେ ବିରକ୍ତି ଆମର ଆସିବ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି। ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଏତେ ବିକୃତି ରହିଛି, ଏତେ ହୀନମନ୍ୟତା ରହିଛି, ଏତେ ଦୀନତା ରହିଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବସି ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ।
आध्यात्मिक जीवन मान गोटे अंतर्मुखी चेतनागत व्यापार होची ये गोटे आध्यात्मिकतार परिप्रकाश इटे कौन होची आमे मु मास्टर अरविंदंक अनुगामी मानक जेहेतु एठारे कहुची सेटा निर्दिष्ट भाव में मास्टर अरविंद प्रसंगे कहबी ये हूँ ये आम आध्यात्मिक गुरु आमर ये भगवान ये आम जगत जनन ये आमको कौ मार्गटे प्रदर्शन कर जो मार्ग से आमको प्रदर्शन करमर केवल ग्रहणीय तेणु इटे जो उपचार सर्वस्वता को पूरापूरी प्रत्याख्यान कराई आमर साधन इटे साधना है पूरा चेतनार साधना जी आम के डाक पारा ईश्वर सहित आम के एकात्म हो पार कि गोटे निर्दिष्ट समय आम ध्यानस्थ रही एत बेस गुरुत्व दि जाए पुणी दि जाए ना जार जहाँ आवश्यक जमी भगवान भगवत गीतार विभिन्न जगर कथा कही व्यक्ति कर्मजोग करें भक्ति योग करें राजयोग करें हट योग करें तंत्र योग से तार स्वभाव अनुरूप से करें कितु ये आम कहगला पूर्णांग योग श्रीअरविंद प्रवर्तित पूर्णांग योग को अनुसरण करने ग्रहण करने आम निविष्ट अच्छे से आम से उदिष्ट ताल कौन आम करूचे आमर मन प्राण शरीर एवं आत्मा ए सब गोटे सूत्र में गोटे खूब श्रृंखलित रीति परिचालित जो मैंने आम समस्ते जाचे प्राणी प्राण कौन मन कौन एवं सरगत चेतना कौन ए संपर्क अल्प बहुत आम ज्ञान रही किभली संपूर्ण भाव माँ का सांगे एकात्म हो पार ताथे निर्देश कराई तब बंधुगण आउ टे स्पष्ट भाव मुझे कही रखे जे आध्यात्मिकता कहले पुणे आम कौन बुझा आउ गोटे सहजरे कहीपे जे आध्यात्मिकता आमर गोटे जो कर्म रही उद्दिष्ट कर्म आम समस्ते भिन्न भिन्न कर्म करूचे से सान बड़ किसी ना उच्च नीच किसी ना सी बड़ ये सान एमती भावार मत कि ना कारण आध्यात्मिकतार कर्म उच्च नीचता न थाए को मानसिकता नहीं को प्रकार भाव नहीं कि से कर्म करे निर्भर कै आश्रम आम देखीचे कहीं कहीं विद्वान व्यक्ति मैंने कहीं कहीं पंडित व्यक्ति मैंने साधक मैंने को प्रकार शारीरिक कार्य से आम देखीचु आम अनुभव करना इटी ये योग्यता माँ निरूपण करोर तार चरित्र विकास तार आत्मार विकास निर्दिष्ट कर्म दिखाई किए शिक्षकता कर किए गृहांगन सफा कर किए रोषशाला रोष कर ये सबुति भितर दी तर चेतनार अग्रगति हे तेणु एटी कथाटी है जे कर्म सान बड़ ना कौ कर्म कि नारी मान कथा जेहेतु कहे मुझ निश्चित भाव में कहबीजे नारी मान भर गोटे हीनमंडता था बहुत हीनमंडता कम कै मोर जीवन व्यापी मुझे देखी जिते जहाँ कहले भी से गोटे केमती रही जाए भितर आप पचारे जड़े महिला को देखले पचारे आपड़ कौन करती से जब किसी करेंगे से कथा से निश्चय आग कहे अध्यापिका अच्छी इंजीनियर अच्छे डाक्तर अच्छे कौन है कौन कहे कि महिला जो पचारे से गोटे केमती दबी जाए कहे मुझे जो गृहिणी अरे गृहिणी शब्दटी कह उच्चारण कला बेले कहीं भितर यही भावनाटी आसूची मुझे गोटे कम कम कर आदौ नुहे गृहिणी हवा बा गोटे जन बड़ अफिसर हवा भितर कौन से पार्थक्य नहीं गृहकर्म कौ मानसिकतार करी मातृदत्त कर्म बोले आम विचार करवा जे जहाँ करू यहाँ माँ मत दे कर्मटे करने मुझसे अनुरूप कर्म करी जदि यही मन भितर आम रही तार कन्फिडेन्स विश्वास आम प्रत्यय गभर हम कि नहीं कहीं बड़ सान ना जहाँ जो प्रकार सामर्थ्य रही से सामर्थ्य अनुरूप माँ ताक कर्म एवं से कर्म मध्यम तार चेतनार विकास घटव तेणु गृहिणीपण से भाव महत्वपूर्ण जेभली जड़े गोटे पायलट आकाशे उड़ाजहाज उड़ा नारी भितर एका कथा कितु से जिनसा हुए मुझे बारंबार कही कर्म को सान बड़ विचार कर निज मन भितर निजक न्यून बोली भाव भाविवार कौन से कारण ना निर्दिष्ट भाव में जो आम मातृसंतान बोली निजक विचार करुचु अनुभव करुचु नारी पुरुष निर्विशेष जो मैंने माँ को आम अनुगामी आम तर सतान भितर पार्थक्यटा कौन पार्थक्यटे हूँ आमर निजर चिंता और विचार अनेक विभ्राट रही जाए आम निजक जदि न्यून बोली भाविद आम कर्म को न्यून बोली भाविद आम जहाँ कि करूला बेले भी सुधा मोर से प्रत्यय आसबना ये गोटे आउ गोटे छोटिया कहानी मुझे कहि से गृहिणी बग कथा मुझे बहुत थर कही मत से भारी भल लगे
ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ସରିଲେ କଲେଜ ଆସୁଛୁ, କଲେଜ ସରିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛୁ, ସେମିତି ସେ ପଠାଇଲେ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ନା ଗୋଟେ ସୁଦୂର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଣେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶିକ୍ଷା। ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲେ ମନଟା ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ଖରାପ, ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଏ ସେଠିକି ଯିବେ, ଏ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେଣି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ମୂଳରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗୋଟେ ବଗଟେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା, କରିଦେଲା। ଇଏ ରାଗଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସାହସ ତାର, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଲୁ, କହିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଉପରକୁ, କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଜାଳିଦେଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, କହିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଘରେ, ଠିକଣା ବୁଝିକି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ଗୃହିଣୀ ଜଣକ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶ ସମୟ ବିତିଗଲା, ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ବେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସିଲେ, ଗୃହିଣୀ ତାଙ୍କ ହାତ ପୋଛି ପୋଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମହିଳା ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଟମଟକି ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଗୃହିଣୀ ଜଣକ ସ୍ମିତ ହସି ହସ ହସି ଟିକେ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ସେ ବଗ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କି? ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଚେତନା, ଯେ କେଉଁ ସୁଦୂର ଅରଣ୍ୟରେ କେଉଁଠି ମୁଁ ବଗକୁ ଜାଳି ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଇଏ କେମିତି ଏଠି ରହିକି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ କଥାଟି କୁହାଗଲା, ସେ ଗୃହିଣୀ ସେଠି ଗୁରୁ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଘର କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁ ହବ। ତେଣୁ କଥା ହେଲା, ସେଇ ଗୃହକର୍ମ କରୁଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କର୍ମ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶୀଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କର୍ମ ନେଇ ଆମ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ବି ଉଣା ଭାବ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛି, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ହଉ, ସାଧାରଣ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବା ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କି ନ ଦିଆଯାଏ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଟା ଟିକେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ, ମୋ ବୋଧେ କିଛି ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମର ତ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ, ଧର୍ମ ବଶତଃ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ନା, କେତେ ପାପରୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ? ଆମେ ଆମର ମନକୁ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ଆମର ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ସବୁବେଳେ ବେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି କିଛି ନୁହଁ ମାନେ କ'ଣ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ। ତେଣୁ କେବେ କିଏ, ଯାହା ଆମେ ତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଦେଖିଛେ, ବେଦରେ ବି ଦେଖିଛେ, ଋଗ୍ବେଦରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି, ସ୍ତବ କରାହେଇଛି, ସେଠି କେହି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବି ସ୍ତବ କରିନି, ସ୍ତୁତି କରିନି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କେବେ ବି କରିନାହିଁ। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି, କନ୍ୟା ପାଇଁ କେହି କେବେ ଯଜ୍ଞ କରେନି, ଆରାଧନା କରେନି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ନେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇ ଯୁଗରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନ ଭାବ ରହିଆସିଛି, ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନ ଭାବ ରହିଆସିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସହଜାତ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣମାନ ରହିଛି, କ୍ଷମା, ତିତିକ୍ଷା, ସହନଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନାରୀ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ସେ କେତେ ବେଶୀ କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତାର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏବଂ ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ନାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ସ୍ୱଭାବରେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ଅନେକ ପ୍ରସାରଶୀଳତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତାର ନମନୀୟ ଚେତନା, ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଯେତିକି ସହଜରେ ନିଜର ଚୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ
ତାହା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମଣିଷ ଜାତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବା ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଏଇ ଦିବ୍ୟତା ଆମେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛେ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା, ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଆମେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ, ସଚେତନ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା, ସେଠିକୁ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବା, ସେଠି ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସୁକ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ସୁକ୍ୟ ତପସ୍ୟା, ସୁକ୍ୟ ସାଧନା ବଳରେ ହିଁ ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦି ମଦର ପୁସ୍ତକରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ମାତୃଶକ୍ତିର ଚାରୋଟି ବିଭାଗକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଭିତରେ ଏଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ତାର ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅଧିକ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ, ସହଜ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଣିଷର ଆସି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତା ଭିତରେ, ଈଶ୍ୱର ଓ ତା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଏଇ ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶା କଥା, ଯେ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା, ଯେ ନାରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଅନାୟାସରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଯେଉଁ ଅଦତ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମେ ଆଉ ତୁଳନା କରି କହିବା କି ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି, ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଯେଉଁ ଜଗତ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଖୁବ୍ କୋମଳ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ, ନୀରବରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରବେଶ ଘଟିସାରିଛି ଏବଂ ତାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସଚେତନତାର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଜୀବନଧାରା ରହିଛି, ପୁରୁଣା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ବିଚାର, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ରହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାର ସ୍ରୋତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ, ମୁଁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ନୀରବରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ତାର ଭିତରେ ସାମିଲ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ଜୀବନ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆମର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ, ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ ରହିଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋର ନୀତିଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋର ଯେପରି ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ମୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ସାଧନା କରିବି। ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ମୂଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି, ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତାଂ ଜଗତ୍ ତେନ ତକ୍ତନ ଭୁଞ୍ଜିତା ମା ଗୃଧ୍ରକଶ୍ୟଶ୍ଚିତ୍ ଧନ। ଯେଉଁ ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ, ଯାହା କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହି ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ଏଇଟାକୁ ସମର୍ଥ ଯେ ବୁଝିବ ଯେ ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରେ, ଲତାରେ, ଜଡ଼ରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି
श्री अरविंद जड़ को जो प्राधान्य देखें जड़ को कितने अस्वीकार करते जड़टा से किसी ना काठ पथर नदी जल एक कि मूल्य आम बुझे नुले कि बुझेदे जड़ भितर निहित निवर्तित रही दिव्य सत्ता दिव्य शक्ति तेणु जड़ जीवन सर्वत्र से दिव्यता को आम दर्शन करपस्थित को अनुभव करम चेतना प्रसारित हो पार से आकाश भी तार सीमा नुहे तर एक सीमाहीन स्थित आम निजक अवस्थित करपरिया तेणु नारी पुरुष साधनार कथाटी व्यक्तिगत भाव में किसी समष्टिगत भाव में कहूँ कहुच्छे जेहेतु नारी मान किसी स्वतंत्र समस्या रही है से संपर्क केवल मुझे आलोचना कली कि आध्यात्मिक जीवन जहाँ श्री अरविंद प्रदर्शित मार्ग माँ का प्रदर्शित मार्ग से आम भितर कौन सी पार्थक्य ना किंतु साधना निष्ठ हो पड़ो तपस्या निष्ठ हो पड़ो यह सहजरे उपलब्ध होबना इतनी आमको सदा सर्वदा स्मरण रखा हो। जय कुश भगवान नह पूर्ण भागरविंदो जय तू भगव शोभा लोकधात्री निरांबा जय तू दक्षतु भूमा वेतयो पूर्ण योगो जय तू तदनुगामी भाग्यवान धात्री हर्षः। आज के विषय To unite with thee, तुम्हारे मिसे जावा तुम के मन पड़े वाक्य बंधटी टू यूनिट उथ दि से मायर एक प्रार्थना अंतर्गत अंश 1913 साल 13 मार्च এই ছোট্ট প্রার্থনাটির মধ্যে ইউনাইট উইথ টু ইউনাইট উইথ দি এই অংশটি রয়েছে, মনে হয় সেখান থেকেই এটি গৃহীত হয়েছে। এই প্রেয়ার শ্রী মায়ের সুপরিচিত প্রেয়ার অ্যান্ড মেডিটেশনস এ অন্তর্ভুক্ত। এই বইটি সম্পর্কে শ্রী মা আমাদের জানিয়েছিলেন যে কয়েক বৎসর ধরে একাগ্র সাধনার অবস্থায় লিখিত দৈনন্দিন বিবরণ থেকে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। এ থেকে প্রধানত 3 শ্রেণীর সাধক পথের নির্দেশ পেতে পারে। প্রথমত যারা আত্মজয়ের সাধনা করে, দ্বিতীয়ত যারা চায় ভগবানের দিকে চলবার পথ আবিষ্কার করতে, তৃতীয়ত যাদের আকাঙ্ক্ষা ভাগবত কর্মে নিজেদের ক্রমে পূর্ণতর ভাবে উৎসর্গ করে দেওয়া। আমাদের এই বাক্যবন্ধটি সরাসরি ভগবানের দিকে চলবার পথ আবিষ্কার করা, কিন্তু তার দুপাশে যে আত্মজয়ের সাধনা সেটি না করে তো ওখানে পৌঁছানো যায় না, আর শেষের দিকে যেটি সেইটি হচ্ছে পার্থক্য, সেইটির ভেতর দিয়েই তার সঙ্গে যে নিবন সেটি সম্ভবপর হতে পারে। আর এই প্রার্থনার শেষে রয়েছে এই নিলয়ন ফ, অর্থাৎ তার মধ্যে এই নিলনের ফলে তার প্রকাশ ম্যানিফেস্ট। এখানে একটু শ্রী মায়ের লেখার ইংরেজি অনুবাদটি আমরা স্মরণ করে নিতে পারি, এই কারণে যে এই যে বইটি বেরিয়েছে তার মধ্যে কিছু অংশ আছে যে অংশের অনুবাদ স্বয়ং শ্রী অরবিন্দ করেছেন অথবা তারই নির্দেশে সেই অংশটি প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাটি তার অন্তর্গত, অতএব সেই জন্য মূল ইংরেজিটি পড়ে নিলাম। বাংলা কাছাকাছি আসলে এইরকম মনে হবে, শুদ্ধির বিশুদ্ধ শিখা সুরভি জলে যেন সর্বদা ক্রমে উঠে, ক্রমে ঋজু ভাবে উঠে চলে যেন সর্বাঙ্গে আধারে নিত্য প্রার্থনার রূপে, তোমার আবির্ভাবের জন্যে তোমার সঙ্গে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, এই মিশে যাওয়ার জন্যে।
রবিদার এই অনুবাদ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর মধ্যে রয়েছে ডি, এই ডিটি, এই তুমিটি কে? এই তুমিটি ভগবান, তাকে নানাভাবে তিনি সম্বোধন করেছেন এই প্রার্থনা। কিন্তু পরে মা ফিরে এসে ভারতবর্ষে শ্রী অরবিন্দকে দর্শন করে তার এখানে থেকে যখন গেলেন এবং সমস্ত তার যে সুদীর্ঘ কাল শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে তার সংযোগ, তারপরে শ্রী অরবিন্দের দেহত্যাগের পরে 9 ডিসেম্বর তার যে বাণী যেটি উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে শ্রী অরবিন্দ সমাধির উপরে, টু দি হু হ্যাজ বিন দি ম্যাটেরিয়াল এনভেলপ অফ আওয়ার মাস্টার, হে আমাদের ভগবানের জড় আবরণ তোমায় নিবেদন করি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা, টু দি আওয়ার ইনফিনিট গ্র্যাটিটিউড। তাই যে এখানে তিনি ডি বলতে শ্রী অরবিন্দকেই বুঝিয়েছেন। এই ডি একটা সময়ে এসে ভগবানের জড় আবরণ রূপে শ্রী অরবিন্দ রূপকে দেখিয়েছেন আমাদের কাছে, তবে তার সঙ্গে মিলনের জন্যে, তার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে। আর যাকে তিনি ডি বলেছেন, যাকে তিনি ডি বলেছেন, সেই ডি শ্রী অরবিন্দ, তিনি তার একটি ছোট কবিতায় আমরা যদি স্মরণ করি জানতে পারব, ডি বলছেন আবার জগজ্জননীকে, যে জগজ্জননীকে আবার শ্রী অরবিন্দ শ্রী মায়ের রূপে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই যে ছোট্ট কবিতাটি যে লিটল ইগো, সেই ছোট্ট কবিতাটি আমরা একটু অংশ মনে করতে পারি। তার প্রথমটি ছিল, দিস পাপেট ইগো দি ওয়ার্ল্ড মাদার মেড, বলা যেতে পারে জগৎ মাতারই শ্রেষ্ঠ এই ক্রীড়ক অহং, অর্থাৎ এই অহং এইটি জগৎ মাতারই শ্রেষ্ঠ ওয়ার্ল্ড মাদার। এই যে এইটির একটি অংশ রয়েছে একটু পরে, ওয়ান ওয়ে লাইফ ফ্রি আওয়ার হার্ট অ্যান্ড সোল টু গিভ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড টু বি অ্যান্ড এভরি সেল অ্যান্ড স্টিট ইন দাই ওয়ার্ল্ড ইনফিনিটি টু লিভ দেন লস্ট ইন লাইট শ্যাল ফেড দি ইগনোবল স্পেল। কাছাকাছি একটা বাংলা করলে জানাতে পারে, পথ আছে এক শুধু দেহ মন আর প্রতিকোষ সমর্থিয়া তোমারই বিশ্ব আনন্দে সিক্ত করি জীবন ধারণ, তখন জ্যোতিতে বিলুপ্ত হয়ে অপসৃত হবে মর্যাদাহীন এই বিবশতা। এই মর্যাদাহীন বিবশতাই হচ্ছে অহং, অহংয়ের চেহারা। এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি এসে পরিষ্কার বলছেন টু ডি, অর্থাৎ এই ডিটি ওয়ার্ল্ড মাদার, তার সঙ্গে মিলনের পথটি এখানে দিয়ে দেওয়া আছে। সেটি কি? না সেটি হচ্ছে তখনই জ্যোতিতে বিলুপ্ত হয়ে অপসৃত হবে মর্যাদাহীন বিবশতা, কখন? যখন জীবন ওই পথ আছে এক শুধু দেহ মন আর প্রতিকোষ সমর্থিয়া তোমারই বিশ্ব আনন্দে সিক্ত করি জীবন ধারণ। এই সমর্থিয়া সমর্পণ করে এই এইকে সম্পূর্ণ দিয়ে তার মধ্যে যে স্টিক ইন দাই ওয়ার্ল্ড ইনফিনিটি, এই কারণে এবং টু ডি, টু ডি তার সঙ্গে মিলনের এই যে ছবিটি, তাই রে জগন্মাতার সঙ্গে, আর সেই জগন্মাতার কাছে সমর্পণ মানে আমাদের কাছে, অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দ জগন্মাতার তত্ত্বটি আমাদের কাছে মা গ্রন্থে খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আদ্যা দ্বিতীয়া পরাশক্তি রূপে সকল ভুবনের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আবার তিনি বিশ্বের অনুপরমাণুর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। এই যে আবার কারের প্রয়োজনে তিনি দেহ ধারণ করেন, মৃত্যুর অপর নাম কি জন্ম, সেই তরণটি পার হয়ে চলে এসেছেন, সৃষ্টি যত দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা নিজের উপরে গ্রহণ করেছেন, সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহবশতই এই তমসার আবরণখানি তিনি কেড়ে নিয়েছেন। এই যে ছোট্ট ছোট্ট একটু স্মৃতি থেকে বলা গেল, বোঝা গেল এই যে মায়ের তত্ত্বটি আমাদেরকে জানিয়েছেন, সেইটির যারা অধিকারী যারা সুযোগ আছে যাদের, তারা তাকে নিশ্চয়ই পাওয়ারটা নিজের নিজের মতো পথে তার অসংখ্য রূপের ভেতর দিয়ে পেতে পারে। কিন্তু মাঘ গ্রন্থ প্রেরণের পরে শ্রী অরবিন্দ সুদীর্ঘকাল ধরে পণ্ডিচেরিতে যিনি তার পাশে কাজ করেছেন তার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি 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 তিনবার প্রায় তিন শক্তি করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই গ্রন্থে যে দিয়ে মদনের কথা বলা হয়েছে ইনি তিনি, অর্থাৎ আব্দা অদ্বিতীয় পরাশক্তি বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপিনী মহাশক্তি, আবার তিনি দেহ ধারণ করেন কানের প্রয়োজনে সন্তানের জন্যে। এই যে সেই জগন্মাতা সেইটি তার কাছে, কার কাছে, আমাদের কাছে, যারা তার আশ্রয়ের কাছে গিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। শ্রী অরবিন্দ যে পথ মানুষের সামনে খুলে ধরেছেন বিশ্বের মুখে দিব্য জীবনের পথ, সেই পথ যাদের আহ্বান করেছে পৃথিবী পরিত্যাগ করে না পৃথিবীতে, অথচ ব্যক্তি আধারের অন্তঃকরণের ভেতরে প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ভেতরে গিয়ে যে সত্যকে লাভ সেইটির জন্য পরমানন্দে বিবিন দূরে না গিয়ে পৃথিবীর বুকে এই প্রকৃতি রূপান্তরিত করে জীবন ধারণ, এটি এমনি সূত্রে মনে পড়ে। আর ঐশ্বাস সূত্রেতেও যখনই যায় সেই প্রসঙ্গে আসে তখন মনে পড়ে যায় বাবাজি মহারাজের কথা, এই যে রূপান্তরিত মনোপ্রণয়া দেহে ভগবত প্রাপ্তি, এই ভগবত প্রাপ্তি রূপান্তরিত মনোপ্রাণ দেহে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া নয়, তাই প্রকৃতি রূপান্তরিত করতে হবে, প্রকৃতিকে শুধু নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়, এবং সম্পূর্ণটা সম্ভব হতে পারে যখন সেই অহং থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার পথটা কি হবে, কি পদ্ধতিতে হবে, অসংখ্য পথ রয়েছে তাতে। শ্রী অরবিন্দ আমাদের সামনে যে রূপান্তরের পথ দেখিয়েছেন সেই রূপান্তর একমাত্র আনতে পারে মাতৃশক্তি, এইটি শ্রী অরবিন্দ বলেছেন তার কাছে আত্মসমর্পণ। আর আমরা যে পরিণন্দের কথা বলছি সেখানে মা এই কাজটি করবার জন্যই পৃথিবীর মুখে এবার এসেছেন, তার আশাটাই হচ্ছে এই জন্যে যেখানেই চেতনার একটি রশ্মি বিকিরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেখানেই তিনি আছেন, এবারে তার আশা প্রকৃতি রূপান্তরের পথ খুলে দেওয়ার জন্যে। আবার মিলিত হবে গিয়ে মায়ের সঙ্গে, টু ইউনাইট উইথ বি, তার জন্য তাকে কি করতে হবে, তাকে প্রকৃতিটাকে রূপান্তরিত করতে হবে। একেবারে শ্রী অরবিন্দের একটি কথা আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করতে পারে, সেটি আমরা বারবার স্মরণ করি। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, টু বি এ ইয়োগী এ সন্ন্যাসী এ তপস্বী ইজ নট দি অবজেক্ট হিয়ার, দি অবজেক্ট ইজ ট্রান্সফরমেশন। যোগী হওয়া সন্ন্যাসী হওয়া তপস্বী হওয়া এগুলো খুব দিবা ঠিক আছে, কিন্তু এখানকার লক্ষ্য হচ্ছে রূপান্তর। কিছু পরে তিনি বলেছেন, আর এই রূপান্তর কিসে সম্ভব হতে পারে, ইট ক্যান ওনলি বি ডান বাই বিং ট্রুলি এ চাইল্ড ইন দি হ্যান্ডস অফ দি ডিভাইন মাদার, দিব্য জননীর হাতে। অতএব দিব্য জননীর হাতে সত্যকার শিশু হয়ে তা মার সঙ্গে শিশুর কি সম্পর্ক, কে মিশে থাকতে পারে মার সঙ্গে, কে মার সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকতে পারে,
উনি নিশিকান্ত একটা লাইন মনে পথে দূর চোখে তব অঙ্কে রব করিয়া শুধু দুটি খুব দিয়ে মুছি দিয়া বক্ষের অঞ্চল তব রাখিব ধরিয়া। এই যে অঙ্কবাবু সন্তান, এ তো সুপরিচিত ছবি আমাদের সাধারণ ঘরে, সেইটাই তো বৃহত্তর পথে গিয়ে দেখা দেয় সন্তানের শরীরটি তখন বেড়ে যায়। তাহলে অনেক মাত্রা ঘরে মাত্র, কিন্তু শিশু হচ্ছে পরম নির্ভরতা। তাই জন্য নিশিকান্তের কথা, এ দুর্যোগে তব অঙ্কে রব করিতা। এ দুর্যোগ তো শুধু বাইরের নয়, এই প্রকৃতি রূপান্তরিত করার যে দুর্যোগ, সেইটার ভেতর থেকে আমাদের এগিয়ে টু ইউনাইট উইথ দি। এই রূপান্তরের দ্বারাই কেবলমাত্র আমরা পৌঁছতেকারী তার কাছে। এই মা গ্রন্থে এই পথটি কিন্তু স্পষ্টত দেয়া হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ তার যে বিপুল রচনাগুলি, তার এক অসামান্য মুহূর্তে যে মাতার গ্রন্থ দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন গবেষকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা, তার শুরুর লেখা থেকে তার বীজ দেখতে পাবেন। কিন্তু আর্য পত্রিকা শেষ হওয়ার পরে, ছ বছর পরে যখন শ্রী অরবিন্দ একান্তবাসী গ্রহণ করলেন, তখন প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে যে মাদার। এইখানেই মাতৃ মহিমা পরিচয়। মা যাকে দুটি টু ডি বলেছিলেন, সেই শ্রী অরবিন্দ একাশী টু ডি ফেরত দিবেন আমাদের কাছে মা দিয়ে, সেই হচ্ছে মাতৃ মহিমা। সেইখানে ২৬ সালের ২৪ নভেম্বরের কয়েক ঘন্টা পরে তিনি যে একান্ত নিবেদনে প্রবেশ করেছিলেন, তার প্রথম ফসল হচ্ছে দিয়ে মাদার ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমাদের যিনি মা ডাকতে শিখিয়েছিলেন যাকে, তার শারীরিক বয়স তখন ৫০। সেই সময় এটি আমাদের হাতে এসেছে। এবং তার সঙ্গে যে মিলনের কথা শ্রী অরবিন্দ জানিয়েছেন, সেইটি তাকিয়ে দেখি যে সাড়ে পাঁচ পরে এই যে তার ২৪ বছরের একান্তবাস, সেই একান্তবাসে যে মাদার গ্রন্থটি হচ্ছে ঠিকঠাক পূর্ববর্তী আর্য পত্রিকায় নটি মহাগ্রন্থের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ বিশ্বের মুখে দিব্য জীবনের যে তাত্ত্বিক ভিত্তিটি উপস্থিত করেছিলেন তার রচনার ভেতর দিয়ে, নটি মহাগ্রন্থে, যে লাইফ ডিভাইন সিনথেসিস অফ যোগ সিক্রেট অফ দি বেদা উপনিষদ এসেসি গীতা, মানে হিউম্যান সাইকো আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার ফিউচার পোয়েট্রি, এই শব্দগুলো একবার স্মৃতির মধ্যে নিয়ে আসা যায়। একই বন্ধনীতে সব বাধা আছে, এই জীবনই দিব্য জীবন হবে, তার ভিত্তি হবে যোগ সমন্বয়, সে যোগ সমন্বয়ের ভিত্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন তিনটি তত্ত্ব, কিন্তু এটা ব্যক্তির জন্য নয় সমষ্টির জন্য। সেই সমষ্টির জন্যই যোগী রেখেন হিউম্যান সাইকেল, মানব যুবক্র রেখেন যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মানবের ঐক্যের কথা। আর এই যে ধাত্র বিপ্লব তার নেতৃত্ব দেবে ভারতবর্ষ, আর সেই বিপ্লবের অবসানে রূপান্তরিত মানবের জীবনের মধ্যে সৃষ্টি সার্থকতম রূপে ফুটে উঠবে ভবিষ্যতের কবিতা মন্ত্রের ধ্বনি রূপে। এই যে ছবিটি, এই যে রূপটি, সেই রূপটির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি করে পৌঁছানো যাবে। মা এসে গেছেন তখন তার চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে, এই সদ্য যা আমরা শতবর্ষ উদযাপন করে এসেছি এই বিপজ্জনক অবস্থার ভেতর দিয়েও, আমরা গিয়ে দেখছি কোথায় যে মা আসার পরে আস্তে আস্তে আশ্রম গড়ে উঠল। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর সেই দিনে ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন, আর তারপর ১৯২৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যখন বলা যেতে পারে যে প্রকাশিত প্রায় দর্শনের দিন শুরু হলো, সেই সময়ে আর কিছু সংখ্যক এসে উপস্থিত হয়েছে। এইভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে এই যে যাওয়ার প্রথমে তিনি দিবেন মাদের, আর নিবন্ধ দাসের শেষে দিবেন সাবিত্রী। সাবিত্রী ছত্রে ছত্রে আমরা খুঁজে পাবো সেই সাধন পথ, যা এখানে এই ছটি অধ্যায়ের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ মা গ্রন্থে দিয়েছেন। প্রথম চারটি
মানে বিধান দিয়েছিলেন প্রকৃতির মধ্যে, তারপর সেটি ত্রিধা সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছে, অ্যাক্টিভেশন রিজেকশন সারেন্ডার, তারপর দিয়েছেন জীবনের পথে চলার পথে নিরাপত্তার হিসেবে প্রায় বিপত্তারই কবজের মতো তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, এই জীবনের প্রত্যেকটি কাজের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, এই কর্মই দিব্য কর্মে রূপান্তরিত হবে। কারণ কর্ম প্রকারে নয়, কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্ম করা হয়েছে, অহংকারের কর্ম দিয়ে প্রবেশ, ধীরে মাকে ভালোবেসে কাজ করতে করতে আমি কাজ করছি না, মা কাজ করছেন, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী উপলব্ধি, তারপর যন্ত্র যন্ত্রী অভেদ, মায়ের সঙ্গে মিলন, তুমি নাইট হয়ে যাচ্ছে কাজের ভেতর দিয়ে, যে কাজের ভেতর দিয়ে যাওয়া। আর তো ষষ্ঠ অধ্যায় এসে মাতৃ নয় অপ্রকাশ করে দিলেন তিনি, জানিয়ে দিলেন শেষে কোন মানবীয় তপস্যা নয়, এক নারী শক্তি আবরণ খানি ছিন্ন করতে পারে, আধারকে গড়ে তুলতে পারে, এই মিথ্যা মৃত্যু তপস্যার জগতে নামিয়ে আনতে পারে, সত্যের যদি দিব্য জীবন আমরে আনন্দ, এইটি তিনি দিয়ে দিলেন মানব। আর তারপর ২৪ বছরের প্রথম ১২ বছর অনেক সময় সারা রাত জেগে দিচ্ছে, আর তাতে ফুটে উঠছে যিনি বাইরে না হয়ে কাজ করছে সেই জগজ্জননী, তার সঙ্গে যার প্রাণী তারা এসেছে তাদের সঙ্গে যোগ, আর সারা পৃথিবীতে সেই কথা ছড়িয়ে পড়ছে, নেটার ফ্রম যোগা, যা বর্তমান গবেষণায় সংগৃহীত হয়েছে চারটি বিপুল খণ্ডে। আর তারপর যাওয়ার গিয়েছিলেন সাবিত্রী, যেখানে তিনি মাতৃ মহিমাকে আমাদের কাছে এক তেজব কাব্যের পাত্রে উপস্থিত করলেন, মা বললেন সুপ্রিম রেভলিউশন অফ শ্রী অরবিন্দ রেজুলেশন, সেইখানে সবকে চাই মাতা কুটি করোনা রোদন, প্রাণ কর্তৃ তিনি শুধু মৌন তপস্যক্তি অবতীর্ণ করতে পারে, তারই মাঝে ঐশী ইচ্ছা হয়ে সচেতন মানুষের স্তর করেছে ধারণ, আপনার রক্ষা রক্ষা সারা জগতে একমাত্র তারই কাজ, একমাত্র সেই মায়ের সঙ্গে যোগাযোগে সাবিত্রী একটি ছত্র মনে পড়ে, তার প্রসঙ্গ দেওয়ার দরকার নেই, মেক অফ দাই ডেইলি ওয়ে এ পিলগ্রিমেজ, ওই যে মানে চতুর্থ এই পঞ্চম অধ্যায়ে দিব্য কর্মে সত্য কর্মীর আদর্শটা তিনি বুঝিয়েছিলেন, সেইটি এসে এখানে মিশে গিয়েছে মার প্রার্থনার মধ্যে, যে প্রতিদিনের কাজটাই দিব্য কর্ম। এই যে মাঝে প্রার্থনার থেকে আজকে নাইনটি নেওয়া হয়েছে, তার শুরুতে একটা আছে অংশ যেইটির মধ্যে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে একটি গ্রুপের ঘোড়ার ছবি, শুদ্ধির বিশুদ্ধ শিখা সুরভি জলে যেন সর্বদা ক্রমে উঠে, ক্রমের যেভাবে উঠে চলে যান, এই যে আমাদের জীবনটা, এই যে প্রতিদিনের জীবনটা, এই যে সাধারণ কর্ম করছি আমরা, যেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত কর্ম, আমার প্রতিদিনের নিজের শরীরটিকে পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে সাংসারিক দায়িত্ব পালন থেকে সামাজিক দায়িত্ব পালন থেকে আমার সাধন জীবন বলে যে বাইরের ছবি পরিচিত তার নজর দিয়ে একটার একটা কর্ম করে চলা হয়েছে, সেই কর্মের ক্রমটি পাল্টে যাচ্ছে শুধু তার সঙ্গে ইউনাইটেড নিধি। বালাজি মহারাজের কথাটা মনে পড়ে, হাতে কান মুখে না, এই কানের ভেতর দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাকে স্মরণে রেখে এগিয়ে চলা নিজের নিজের পদ্ধতিতে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে এসে যা তিনি আমাদের কাছে দিয়েছেন, এই ধূপের মতো আস্তে আস্তে প্রতিদিন ওই বাইরের দিকে দেখা যাবে, জীবন কর্মের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সুগন্ধি ফুটে উঠবে, সে সুগন্ধ মায়ের সুগন্ধ। সেটা কেন? এই প্রার্থনার মধ্যেই কিন্তু মা বলেছেন, এই টু ইউনাইট উইথ দি, কিসের জন্য? টু ম্যানিফেস্ট দি, টু সো অ্যাজ টু ম্যানিফেস্ট দি, অর্থাৎ তোমার 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 আবির্ভাবের জন্য। এই আবির্ভাবটি আমরা অপেক্ষায় রয়েছি, কোথায়? আমাদের মধ্যে, সেই জন্যই তোমার শরীর ধারণ করেছে, মা আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে প্রতি মুহূর্তে, তার কথা বলতে গিয়ে আমাদের কথা বলেছে। ওই যে সেই গল্পটা মনে পড়ে খুব বড় মতো, যখন আমরা যখন কোনো সন্তান মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা কেন তোমার সঙ্গে আমাদের প্রসঙ্গ কেন আনো,
আমাদের কেন কেন তোমার শরীর যেভাবে তৈরি হয়েছে এটিও সেভাবে হয়েছে, আমি যা খাই তুমি যা খাও কি সবুজভাবে, তাহলে আমার মধ্যে যা হচ্ছে তোমার মধ্যে হবে না কেন? তখন বুঝতে পারি শ্রী অরবিন্দ ষষ্ঠ অধ্যায়ে যা শাস্ত্রজ্ঞের শাস্ত্রজ্ঞরা ধরে উঠতে পারে না, অতি দ্রুত সূত্রাকারে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমে যেটা বলে দিয়েছিলেন, আব্দা অদ্বিতীয়া পরাশক্তিতে মা সকল ভুবনের উঠতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আবার তিনি অনুপরমাণুর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার এই বিশ্বত্বের আর বিশ্বগত এই দুই রূপকে একত্র করে তিনি এই ব্যক্তিগত রূপ আমাদের সামনে এনে ধরেছেন সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহবশত। তাই একদিন তার কলম থেকে যে প্রার্থনায় বেরিয়েছিল আর তিনি নিজে জানিয়ে গিয়েছেন সেইটে তিনটে সাধন পথের মধ্যে অন্যতম, দুটো তিনটে মিলেই এক, সেই টু ইউনাইট উইন্ডি, এই যে আমরা সম্মেলনে এসেছি সুদীর্ঘ কাল আমার সুযোগ হয়েছে প্রেমায় করুণায় যোগ দিতে, আজ এই বন্দী দশার ভেতর থেকে যা আমরা অনেকেই রয়েছি আমি বুঝতে পারছি কত মানুষ এই সময় এসে জড়ো হতেন, সেইটিকে কল্পনায় আমার ধরে দিচ্ছি, ধরছি সেখানে উপস্থিত হচ্ছে, আর উপস্থিত হয়ে এই যে বিষয়টি দিয়ে আমাকে জানিয়ে এই দূর থেকে ব্যবস্থা করে এই যে মহোৎসবের মধ্যে এই যে এগিয়ে যাওয়ার সমাবেত হবে তার মধ্যে সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই, আর শ্রীমার চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি, ওম নমো মাত্রে জগন্ মাত্রে ভগবত্রয়ী নমো নমঃ মহাশক্তয়ী মহাবিরক্তয়ী মহোন্মুক্তয়ী নমো নমঃ। ওম আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে, ওড়িশার সমস্ত মাতৃপ্রেমী শ্রোতা ভাই ও ভৌণী মানুষ মু মোর সশ্রদ্ধ প্রণাম জনাওছি। দিব্যজননী অশেষ করুণার রাজ্যস্তরীয় বয়ালিশতম নিখিল উৎকল শ্রী অরবিন্দ মহিলা পাঠচক্র সম্মিলনীর প্রথম দিনর কার্যক্রম অনলাইন যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে। আমার নিমন্ত্রিত প্রথম বক্তা শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরীর সাধক আন্তর্জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন প্রবীণ সুবক্তা ডক্টর আলোক পাণ্ডে, দ্বিতীয় বক্তা পশ্চিমবঙ্গ মাতৃকার্যর মুখ্য সংগঠক সুনামধন্য প্রবক্তা শ্রী বিশ্বনাথ রায়, তৃতীয়রে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সাহিত্যিকা ও সুবক্তা শ্রীমতী অর্চনা নায়ক, ভগবানঙ্ক সহিত যুক্ত হওয়া এই প্রসঙ্গে অভিভাষণ প্রদান করে আম্ভমানঙ্কু বহুত প্রেরণা দেইছন্তি। মানুষ হেউছি ভগবানঙ্কর সর্বোত্তম সৃষ্টি, যাহা মধ্যে এক বিকাশশীল চৈতন্যসত্তা রয়েছে, এহা দিব্য পরমঙ্কর এক অংশ, এক স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। আম জীবনর চরম লক্ষ্য হেলা আম হৃৎকেন্দ্রস্থ চৈতন্যসত্তাকু আবিষ্কার করিবা এবং এহা সহিত সংযুক্ত হয়ে কাজ করিবা। এই চৈতন্যসত্তা হি ভগবানঙ্ক সহিত আমার সম্পর্ককু যোড়ি পারি থাকে এবং এক সেতু ভলিয়া কার্য করে থাকে। নারী ও পুরুষ গোটিয়ে মুদ্রার দুইটি পার্শ্ব সদৃশ, নারী হি আগমনী অতিমানুষ সত্য যুগকু জন্ম দেই পারিব। বিশেষত ভারতীয় নারী তার ভক্তি সেবা ঈশ্বর পরায়ণতা আলোকিত প্রেম ভাব এবং সম্বোধি শক্তি সহিত পাশ্চাত্য নারীর নির্ভীকতা প্রাণ প্রাচুর্য ও কর্মপ্রবণতাকু যদি আহরণ করি পারে তেবে এই কার্য ত্বরান্বিত হব। নারী শক্তিস্বরূপা ও দিব্যজননীঙ্কর অংশস্বরূপা। দিব্যজননীঙ্ক অবতার শ্রীমা প্রমুখ ভাগরে রহি এই কার্য সম্পাদন করুছন্তি। আম্ভিমানে তাঙ্করি নাম জপ মাধ্যমরে অন্তরে তাঙ্ক সহিত যুক্ত রহি সকল কার্য তাঙ্করি সেবা ভাবরে করি তাঙ্কু সমর্পণ কলে তাঙ্কর সুযোগ্য যন্ত্র হয়ে পারিবা,
ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ ସ୍ୱସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିଭାଷଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଓ ପ୍ରେରଣାଦୀପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ପୁନର୍ବାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି, ମାତୃ ଅନୁଗାମୀ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।